गुड आफ्टरनून एवरीवन हेलो टू ऑल ऑफ यू आज हमारा लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है सर गुड आफ्टरनून टू प्रदीप भावना एंड सुनीता जिन्होंने अभी तभी गुड मॉर्निंग कहा मैं आपको भी गुड मॉर्निंग कह रहा हूं चलो <coughs> यस yes, यस yes, प्रभु कहा है हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस पे है फटाफट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस को रिवाइज कर लेते हैं यहां तक क्या बोलते हो मालिक यस और नो सबसे पहले हम लोगों ने सिक्स वन पढ़ा सिक्स वन के अंदर में हम लोगों ने क्या पढ़ा हम लोगों ने रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल पढ़ा सिक्स टू रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एच यू एफ सिक्स थ्री रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी वेर एज सिक्स फोर रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अदर पढ़ लिया बराबर है उम्मीद तो यही करता हूं कि नोट्स मैंने टेलीग्राम के ऊपर डाल दिए थे आप लोगों ने उसे एक बार देख लिया होगा पढ़ लिया होगा और यहां तक के पहुंचे होंगे ये सो नो राइट अच्छा जी सर सर एक और बात मैं आपसे कह दू हम लोग यहां से गए थे सेक्शन नंबर पांच के ऊपर कहां गए थे साहब सेक्शन नंबर पांच के ऊपर सेक्शन नंबर पांच ने हमसे क्या कहा यहां थे हम स्कोप ऑफ टोटल इनकम पे टोटल इनकम के लिए जैसे हमने आर ओ आर 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 और एनआर देखा यहां जाके हमें समझ में आया दैट देयर इज एन इंडियन इनकम एंड फॉरेन इनकम हम ढूंढते हुए आगे निकले भैया इंडियन इनकम मतलब क्या होती है इंडियन इनकम के चार क्राइटेरिया थे रिसीव्ड इन इंडिया डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया अक्रूड और अराइज इन इंडिया डीम टू अक्रूड और अराइज इन इंडिया रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब था अगर पैसा इंडिया के अंदर में मिला अगर पैसा इंडिया के अंदर में मिला इट इज ऑलवेज लाइबल टू टैक्स इन इंडिया इट इज ऑलवेज लाइबल टू टैक्स इन इंडिया गेटिंग इट और नॉट मालिक फिर हम लोगों ने देखा था डीम टू बी रिसीव इन इंडिया इसके लिए हम दो सेक्शन पे गए थे आपको ईमानदारी बोला था बेटा पढ़ के आना आज के दिन ने हमसे कहास्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द रिक्नाइज प्रोविडेंट फंड बियवेल्व परसेंट क्योंकि अपू ट्वेल्व परसेंट क्या है एग्जाम इंटरेस्ट ऑन रिक्नाइज प्रोविडेंट फंड बियॉन्ड नाइन पॉइंट फाइव परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू देंशन स्कीम सेक्शन एटीसी ए टी सी सी डी और कन्वर्जन ऑफ यू आर पी एफ टू आर पी एफ कन्वर्जन ऑफ यू आर पी एफ टू आर पी एफ विल बी ट्रीटेड एज डी टू बी रिसीव इन इंडिया फिर हम थे सेक्शन नंबर आठ के ऊपर डिविडेंड इनकम डिविडेंड इनकम फ्रॉम एन इंडियन कंपनी बीट रेगुलर डिविडेंड बीट फाइनल डिविडेंड दिस बी टैक्सेबल एज इंडियन इनकम डीम टू बी रिसीव इन इंडिया राइज इन इंडिया के बारे में हम लोगों ने बात करी थी दैट अक्रू और अराइज इन इंडिया का मतलब क्या होता है कि अगर दैट प्रॉपर्टी और एक्टिविटीड इन इंडिया और फ्रॉम इंडिया टू टैक्स इन इंडिया एंड लास्ट पार्ट था हमारा डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया यह डीमिंग फ्रिक्शन है डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया सेक्शन नंबर नाइन ये सबसे बड़ा सेक्शन है इसको पढ़ने के बाद आप वापस आएंगे यहां पे हम अब सेक्शन नाइन में जा रहे हैं चैप्टर को हमने छह से चालू किया था सेक्शन सिक्स वी गो टू सेक्शन फाइव सेक्शन फाइव से हम लोग सेवन एट पे आ गए और अब हम नाइन पे जा रहे हैं एंड देन हम रिटर्न बैक होंगे फाइव के ऊपर ये याद रखना अब हम जाते हैं सेक्शन नंबर नाइन के ऊपर कहा जा रहे हैं मालिक सेक्शन नंबर नाइन के ऊपर जा रहे हैं और आपके पास ये नोट्स एज ऑफ नाउ होने बहुत जरूरी है सबसे पहले आप देख सकते हो सेक्शन फाइव हम लोगों ने स्टार्ट किया विच वॉज गिवन ऑन पेज नंबर एट पेज नंबर नाइन अक्रू इन इंडिया सेक्शन नाइन यहां कवर्ड है अक्रू इन इंडिया सेक्शन नाइन यहां कवर है एंड अराउंड इट ए कम पर्स टेन आइटम्स कितने आइटम है इसके अंदर में टेन आइटम्स है और इन एक एक आइटम को हमें निकालना होगा हमें अज्यूम करना होगा बताना होगा कि किस तरीके से टैक्सेबिलिटी इंडिया के अंदर में आती है सबसे पहले इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया चार्ट के नीचे ऑल एस एस लाइबल टू टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम रिसीव्ड और रिसीव टू बी रिसीव्ड बाय देम इन इंडिया रिस कोई भी हो अगर पैसा इंडिया में मिला तो टैक्सेबल इन इंडिया इन ऑफ देयर रेसिडेंशियल स्टेटस एंड प्लेस ऑफ इट्स अक्रूवल वो अक्रूव कहा का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है सब तेल लगाने गया पैसा अगर इंडिया में मिला है तो इट बिकेम्स एन इंडियन इनकम इनकम इज टू बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ एस इमीडिएटली ऑन इट्स एक्चुअल और डीम्ड रिसीट द रिसिप्ट ऑफ इनकम रिफर्स टू ओनली द फर्स्ट ओकेजन वेन द रिसपिन गेट्स द मनी अंडर हिज कंट्रोल देर फॉर वन एन अमाउंट इज रिसीव एज इनकम रेमिटेंस और ट्रांसमिशन ऑफ दैट अमाउंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर डज नॉट कंस्टिट्यूट रिसिप्ट ऑफ इनकम इन द देंड ऑफ सब्सिक्वेंट रिसीव और एट द प्लेस ऑफ सबसिक्वेंट रिसीव्ड मीनिंग समझिए जिस समय पे एस को पहली बार इनकम मिलता है वो वहीं टैक्सेबल हो जाता है वो अगर आगे रेमिट करता है तो इट विल नॉट बी लाइबल टू टैक्स अंडरस्टैंड कीजिए असेसी असेसी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट बना कीजिएटरी या कोई भी प्रोफेशनल बना गया लेट से दुबई में कमाने के लिए वहां उसने कमाया और कमा करके पैसा अपने मां बाप के पास इंडिया के अंदर में रेमिट कर दिया बराबर है अब जरा पॉइंट सोचिएगा कमाया किसने उस बच्चे ने अक्रू अराइज रिसीव कहा हो गई यू दुबई के अंदर में हो गई वहीं वो टैक्सेबल होगी उसको उसने रेमिट कर दिया अपने मां बाप के पास क्या ये टैक्सेबिलिटी में आने वाला है आंसर इज नो क्या ये टैक्सेबिलिटी में आने वाला है आंसर इज नो no. इसीलिए उन्होंने कहा वंस एन अमाउंट अमाउंट इज एज इनकम रेमिटेंस और और ट्रांसमिशन ऑफ दैट फ्रॉम वन प्लेस पर्सन टू अनादर डज नॉट कंस्टिट्यूट रिसिप्ट ऑफ इनकम इन द देंड ऑफ सब्सिक्वेंट रिसीवर अगर लेट से विजय के हाथ में वो इनकम टैक्स हो चुकी है ये अब उसको सिर्फ रेमिट करता है या ट्रांसफर करता है दिस कॉट कंस्टिट्यूट एन इनकम इन देंड ऑफ सब्सिक्वेंट रिसीवर ठीक है सर इसी के नीचे देखिए मीनिंग ऑफ अक्रू और अराइस अक्रू और अराइस का मीनिंग क्या होता है अक्रू रिफर्स टू द राइट टू रिसीव द इनकम राइट टू रिसीव द इनकम वेर एज ड्यू रिफर्स टू द राइट टू एनफोर्स द पेमेंट ड्यू का मतलब क्या है मैं किसी से भी कभी भी रिकवर कर सकता हूं यह मेरा ड्यू है सैलरी फॉर वर्क डन इन डिसेंबर विल अक्रू थ्रू आउट द मन डे टू डे बट विल बिकेम ड्यू ऑन द सैलरी बी पास ऑन थर्टी फर्स्ट डिसंबर और फर्स्ट जनवरी एज द केस मे बी तो सैलरी केस में सैलरी हर रोज ड्यू हो रही है बस रिसीव आपको मंथ एंड पे नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट पे होगी सिमिलरली ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंटरेस्ट पेबल ऑन स्पेसिफाइड डेज अराइज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ होल्डिंग डे टू डे बट विल बिकेम ड्यू ऑन पेमेंट ऑन द स्पेसिफाइड डेट उसी तरीके से एफ डी के ऊपर या बैंक के ऊपर जो इंटरेस्ट हो रहा है यह डे टू डे अक्रूव हो रहा है ड्यू कब हो जाएगा लास्ट डे या जिस दिन आप उसको विड्रॉ करोगे तब इट मस्ट बी नोटेड दैट इनकम विच हैज बीन टैक्स ऑन अक्रूवल बेसिस कैनॉट अगेन भी टैक्स ऑन रिसीड बेसिस एक बार अगर इनकम अक्रूवल बेसिस पे टैक्स हो गई तो रिसीड बेसिस पे फिर से टैक्स होने वाली नहीं है अदरवाइज इट विल अमाउंट टू डबल टैक्सेशन विद्यू टू रिमूव डिफिकल्टी एंड क्लैरिफाइंग द डाउट इन द टैक्सेशन इनकम एक्सप्लेनेशन वन टू सेक्शन फाइव स्पेसिफिकली प्रोवाइड दैट an item of income accruing arising outside india shall not deem to be received in india merely because it is taken into account in the balance sheet prepared in india. further, explanation 2 to section 5 make it clear that once an item of included is included in total income and subjected to tax on the ground of its accrual, it cannot again be taxed on the basis of its receipt, whether actual or deemed. so, sir. <coughs> सिंपल सी बात हो गई अगर अक्रूवल बेसिस पे टैक्स हो जाएगा तो क्या फिर से वो रिसीड बेसिस पे टैक्स होगा आंसर इज नो no. यही चीज हम लोगों ने यहां पे पढ़ ली आइए सेक्शन नाइन की ओर चलते हैं जो सबसे बड़ा सेक्शन है इस सेक्शन को पढ़ने के लिए हमें बेहतरीन टाइम चाहिए और बहुत आपके दिमाग को ब्रॉड करना पड़ेगा टेक्निकली सेक्शन नाइन ये इंटरनेशनल टैक्स का एक सेक्शन है और इसको समझने के लिए आपके पास बहुत बड़ा विजन होना जरूरी है ऐसा हो सकता है इनमें से एक भी चीज आपने कभी देखी ना हो एक भी चीजों के ऊपर एग्जाम्पल कभी समझे ना हो बट ये एग्जिस्ट करती है इसलिए टैक्सेशन के अंदर में है तो जब आप सेक्शन नाइन को पढ़ रहे होंगे तो अपना माइंड थोड़ा सा ब्रॉड करके चलना क्योंकि हो सकता है आपने नहीं देखा होगा कि ऐसी कोई एक्टिविटी होती है बट इन जनरल इन लाइफ ऐसी कोई एक्टिविटी हो सकती है तो आपको इस सेक्शन नाइन को बड़े ब्रॉड सेंस में पढ़ना होगा यहां पर दस आइटम दिए हुए हैं हम इसे अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे और एक एक आइटम को टिक करेंगे पहला पॉइंट सबसे एंड में पढ़ेंगे दूसरा सैलरी अर्न इन इंडिया नीचे आइए जरा ध्यान से सुनिए यहां पे आपको दिखेगा पेज नंबर फिफ्टीन पे आओ डायरेक्ट सैलरी अर्न इन इंडिया दिखेगी सैलरी अर्न इन इंडिया का मतलब क्या है सैलरी अर्न इन इंडिया का मतलब क्या है जरा ध्यान से सुनना सैलरी अर्न इन इंडिया का मतलब अगर कोई आता है और इंडिया में वर्क करता है भले ही सैलरी उसको आउटसाइड इंडिया क्यों ना मिली हो पर सर्विसेज तो रेंडर कहां हुई है इंडिया में हुई है द अमाउंट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अंडरस्टैंड करना योकोहामा लिमिटेड ठीक है इंडिया के अंदर में इंडिया प्लांट के अंदर में अपना एक व्यक्ति भेजता है ठीक है योकोहामा इंडिया, so, इंडिया में भेजता है यहां के इंडियन प्लांट्स के कुछ चीजें करने के लिए बराबर है इसकी जो सैलरी है इसकी जो सैलरी है ये इसके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दी जाती है इन चाइना इसकी जो सैलरी है ये बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दी जाती है इन चाइना अब जरा पॉइंट सोचना उसको एम्प्लॉय किया था योको ने उसकी सैलरी पे कर रहा है आउटसाइड इंडिया पर वो सर्विस कहां रेंडर कर रहा है सर्विस कहां रेंडर कर रहा है सर्विस इन इंडिया अगर वो सर्विस इंडिया में रेंडर कर रहा है पैसे भले उसको आउटसाइड इंडिया मिले हो बट द इनकम विल बी डीम टू अक्रू और इन इंडिया इस पे टैक्स इंडिया में ही देना होगा वाई बिकॉज सर्विसेज आर रेंडर्ड इन इंडिया पॉइंट एक ये तो हुआ सेक्शन नाइन के हिसाब से फर्दर आपको इसके साथ साथ सेक्शन भी पढ़ाता हूं इनकम टैक्स का एक सेक्शन है सेक्शन जो कहता है इफ सैलरी इज टू बी टैक्सेबल सैलरी इज टैक्सेबल एट अ प्लेस वेयर सर्विसेज आर रेंडर्ड सेक्शन पंद्रह क्या बोलता है सैलरी वहां टैक्सेबल होती है जहां सर्विसेज क्या की गई हो रेंडर की गई हो अब जरा पॉइंट समझिएगा सर्विसेज कहां रेंडर हुई इंडिया में पैसा भले बाहर मिला सर्विसेज कहां रेंडर हुई इंडिया में द अमाउंट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया सो पेज नंबर फिफ्टीन के ऊपर मैं ध्यान से देखना इनकम विच फॉल अंडर द हेड ऑफ सैलरीज इट इज अर्न इन इंडिया ठीक है फॉर रिमूवल आउट डाउट इट इज हियर बाय डिक्लेयर दैट द इनकम ऑफ द नेचर रेफर टू इन दिस क्लॉस पेबल फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया एंड द रेस्ट पीरियड और लीव पीरियड विच इज प्रीसीडेड और सक्सीडेड बाय सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया एंड फॉर्म पार्ट ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और एम्प्लॉयमेंट शेल बी रिगार्डेड एज इनकम अर्न इन इंडिया इसी के अलावा जो रेस्ट पीरियड में भी सैलरी होती है जैसे लीव सैलरी होती है ना किसी लीव के दिन भी आपको अब जैसे संडे है संडे आपके लीव सैलरी में काउंट होता है क्योंकि ऐसा तो नहीं करता ना एम्प्लॉयर कि भैया चार संडे आपने वर्क नहीं किया तो मैं चार संडे का पैसा काटूंगा वो पैसा तो पूरे महीने का देता है तो लीव सैलरी भी काउंट होती है तो जो सर्विसेस कहा रेंडर की गई है इंडिया में रेंडर की गई है इस केस में इस पर्टिकुलर केस में यह सैलरी भले ही मिल कहां रही है बैंक ऑफ चाइना बट इट इज टैक्सेबल इन इंडिया बराबर है अब इसे लिखेंगे कैसे ध्यान से सुनना एग्जाम्पल हम यही रखेंगे गिव द हेडिंग सेक्शन नंबर नाइन रजिस्टर में जाओ डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया इसी के अंदर में पॉइंट सैलरी अर्नड इन इंडिया एग्जाम्पल साथ में बनाएंगे आप सैलरी अर्न इन इंडिया एग्जाम्पल बनाओ अंडरस्टैंड। अब कोई मुझसे इसके विपरीत भी सवाल पूछ सकता है कोई मुझसे पूछ सकता है कि सर मान लो यही एग्जाम्पल अगर दूसरा होता कि इंडियन सिटीजन कहीं और जाकर लेट से इंडियन सिटीजन होता वो दुबई में जाकर के अर्न कर रहा होता और सैलरी उसको इंडिया में रिसीव हुई होती तो आप एक बात समझ नहीं रहे अगर पैसा इंडिया में मिला ऑफ रेसिडेंशियल टैक्सेबल इन इंडिया सर सपोज अगर वो दुबई गया सर्विस वहां रेंडर कर रहा अमाउंट भी वहां मिली इज दैट टैक्सेबल इन इंडिया देन आंसर इज नो वाई नीदर द अमाउंट रिसिव्ड इन इंडिया नॉट द सर्विसेस आर रेंडर्ड इन इंडिया ना पैसा इंडिया में मिल रहा है ना सर्विस इंडिया में रेंडर हो रही है सर्विस रेंडर का मतलब कहाँ एक्चुअली वो वर्क कर रहा है अगर वो वर्क ही दुबई के अंदर में कर रहा है पैसा भी उसको वहीं मिल रहा है नथिंग अक्रू और अराइज इन इंडिया नॉर इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया गेटिंग इट और नॉट मालिक चलिए सो so, ये कब का एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं सेक्शन नाइन आप अंडरस्टैंड कीजिए मैक्सिमम केस में नॉन रेसिडेंट के ऊपर अप्लाई करता है कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया में आकर इंडिया से अक्रूवराइज करता है तो कैसे होता है टैक्सेबल नो yes no, प्रभु ये पॉइंट सबको समझ में आया हा या ना तो ही आगे बढ़ूंगा जल्दी से बताओ योको का कोई व्यक्ति इंडिया में आकर के सर्विसेज इंडिया में रेंडर कर रहा है भले ही पैसा बाहर क्यों ना मिलाओ सर्विसेज तो इंडिया में रेंडर हुई टैक्सेबल इन इंडिया ये पॉइंट सबको समझ में आया हां या ना अच्छा जय ने यह सवाल पूछा ही था जय क्लियर हो गया बेटा जल्दी से बोलो येस और नो बेटा ऑनलाइन के केस में अभी आपको पढ़ना बाकी है ये बहुत प्रीमेच्योर क्वेश्चन है थोड़ी देर बाद इसका रिप्लाई कर दूंगा यहां तक का पॉइंट समझा आइए ऊपर चलते हैं सैलरी अर्न आउटसाइड इंडिया ये थर्ड पॉइंट सैलरी अर्न आउटसाइड इंडिया अब जरा इस पॉइंट को दिमाग लगाइए रजिस्टर में आइए सेकंड पॉइंट लिखिए सैलरी अर्न आउटसाइड इंडिया ठीक है India, अब मेरे बच्चे एक बात ध्यान से सुनना दो एग्जाम्पल को हम लोग सामने रखते हैं एग्जाम्पल वन एग्जाम्पल टू सैलरी अर्नड आउटसाइड इंडिया अगर कोई इंडियन कंपनी में एंप्लॉय होता है और आउटसाइड इंडिया जाता है लेट से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्या करती है मिस्टर राठी को भेजती है इराक में इनके अपने प्लांट पे अब जरा पॉइंट समझिए रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या कर रही है एक आदमी अपॉइंट किया मिस्टर राठी को कहां भेज दिया इराक के अंदर में भेज दिया नो अंडरस्टैंड एक पॉइंट पॉइंट नंबर वन यहां सर्विस रेंडर कहां हुई यहां सर्विस रेंडर हुई आउटसाइड इंडिया मनी जो था ये भी कहां दिया गया आउटसाइड इंडिया इंडिया में मिलता तब तो वो इंडियन इनकम हो जाता तब तो हम क्वेश्चन की बात ही नहीं कर रहे yes और सर्विस रेंडर आउटसाइड इंडिया हुआ मनी रिसीव आउटसाइड इंडिया हुआ इस केस में क्या ये टैक्सेबल इन इंडिया हो जाएगा आंसर इज नो नॉट टैक्सेबल इन इंडिया दिस अमाउंट वुड नॉट बी टैक्सेबल इन इंडिया लेकिन एक एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शन है सैलरी अर्न आउटसाइड इंडिया फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट अब यही इंडियन गवर्नमेंट लेट से मिस्टर टाइगर जो कि जिंदा है उसे भेजती है इराक नाउ ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इस केस में अब वो कौन बन जाएगा बेटा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु इज वर्किंग आउटसाइड इंडिया ऐसे केस में लॉ कहता है सेक्शन नाइन कहता है दिस इनकम इज डीम टू अक्रू और अराइज in india and therefore taxable in india paisa kahin bhi mile yani kya main keh sakta hu ye ek general rule ko exception hai generally salary wahan taxable hoti hai jahan service render kiya lekin agar ye indian government ka employee hai तो ऐसे case में इसकी salary India में ही accrue और arise हुई है ये माना जाएगा I repeat, I repeat जरा ध्यान से सुनना I repeat जरा ध्यान से सुनना Generally जब भी कोई सर्विस जहां रेंडर करता है वहां टैक्सेबल होती है सैलरी कहां टैक्सेबल होती है जहां सर्विस रेंडर किया जाता है वहां टैक्सेबल होती है अब रिलायंस के केस में मिस्टर राठी ने कहा सर्व किया इराक में सर्व किया सैलरी इज रिसीव देयर सर्विसेज आर रेंडर्ड देयर हम यहां पे कौन सा सेक्शन लगा देंगे सेक्शन पंद्रह लगा देंगे जो स्ट्रेट अवे कहता है जहां सर्विस रेंडर हुई है वहां टैक्सेबल होना चाहिए लेकिन इसको एक एक्सेप्शन है एक्सेप्शन क्या है इंडियन गवर्नमेंट अगर इंडियन गवर्नमेंट अपने किसी एम्प्लॉय को आउटसाइड इंडिया, इंडिया क्यों भेजती भेजेगा? क्यों भेजेगा? है हमारे रॉ के एजेंट्स जाते हैं हमारे फॉरन डेलीगेट्स जाते हैं हमारे यहां से यू नो एम्बेसीज के जो लोग होते हैं वो जाते हैं वहां पे इंडियन गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट कई बार वहां पे कुछ सर्विसेज करवाना है कोई मॉडल बनवाना है कोई प्लांटेड मशीनरी बनवानी है यर बनवाना है उसके लिए बाहर भेजते हैं नॉ इज एन इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज रेंडरिंग सर्विस आउटसाइड इंडिया इसे डीम्ड किया जाएगा कि ये पैसा कहां मिल रहा है इंडिया में ही मिल रहा है इसे डीम्ड किया जाएगा सो so क्या मैं कह सकता हूं ये एक्सेप्शन है जनरल रूल को कि जहां सर्विसेज रेंडर्ड होती है वहां टैक्सेबल है एक्सेप्ट इन केस ही इज एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एक्सेप्ट इन ए केस वेयर इज एम्प्लॉय ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट गेटिंग इट और नॉट तो अगर इंडियन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है भले ही सर्विसेज सर्विस बाहर क्यों ना कर रहा हो स्टिल द अमाउंट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया लेकिन अगर वो इंडियन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं है अगर वो इंडियन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं है तो ऐसे केसेस में जहां सर्विस रेंडर कर रहा है वहां टैक्सेबल होगा गेटिंग इट अर नॉट मालिक अच्छा ऐसे केस में क्या हो सकता है एक बात समझिए इंडिया भी टैक्स लेगा और दूसरी कंट्री भी टैक्स लेगा इसी बीच में आता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट सीए फाइनल में आपको एक टॉपिक है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट अगर आपने एक से ज्यादा कंट्री में टैक्स दे दिया है तो दूसरे कंट्री में उसका क्या मिल जाता है क्रेडिट मिल जाता है दूसरे कंट्री में क्या मिल जाता है उसका क्रेडिट मिल जाता है तो अगर उसने टैक्स से वहां भी पे कर दिया होगा क्योंकि इराक वाले भी उसे छोड़ेंगे नहीं इराक में भी पे कर दिया होगा इनकम विल डीम टू टूक्रोराइज इन इंडिया इराक में जितना टैक्स पे किया होगा इंडियन टैक्स में से उतना उसको क्या मिल जाता है बेनिफिट मिल जाता है और उसको बैलेंस टैक्स ही पे करना होता है तो इस पॉइंट पे एंगल नहीं है इस पर टेंशन नहीं है क्योंकि अगर उसने बाहर टैक्स पे किया होगा यहां उसको क्रेडिट मिल जाएगा नो डाउट पॉइंट इज कहा अराइज होती है और कहा टैक्सेबल होना चाहिए गेटिंग इट और नॉट वर्ड देखिएगा पेज नंबर पे इनकम चार्जेबल अंडर द सैलरीज पेबल बाय गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट पे कर रही है अगर कौन पे कर रही है गवर्नमेंट पे कर रही है तो ऐसे केस में ये माना जाएगा दैट सैलरी इज अर्न इन इंडिया समझ में आई बात सैलरी विल बी अर्न इन इंडिया ये पॉइंट समझ में आया चलिए वापस एक सवाल पूछता हूं आप इन्फोसिस आप, में ज्वाइन हुए ध्यान से सुनना सभी लोग सभी लोगों को जवाब देना है तो मैं समझूंगा ये पॉइंट दूसरा आपको समझा आप इन्फोसिस में ज्वाइन हुए इन्फोसिस में तुम्हें इंडिया में रखा इंडिया में सैलरी दिया इज इट टैक्सेबल इन इंडिया इन्फोसिस में आप ज्वाइन हुए इन्फोसिस में आप ज्वाइन हुए यही वर्क किया यही सैलरी मिली इज इट टैक्सेबल इन इंडिया इज इट टैक्सेबल इन इंडिया जल्दी बताओ चलिए बहुत बढ़िया बराबर है दूसरा सवाल इंफोसिस ने आपको अपॉइंट किया इंफोसिस ने आपको अपॉइंट किया काम आप आउटसाइड इंडिया कर रहे हो सैलरी आपको इंडिया में मिल रही है इज इट टैक्सेबल इन इंडिया इन्फोसिस ने आपको अपॉइंट किया काम आप आउटसाइड इंडिया कर रहे हो अमाउंट इंडिया में मिल रही है इज इट टैक्सेबल इन इंडिया यस, सर क्यों? इफ अमाउंट इज रिसीव इन इंडिया तुम कुछ भी कर लो टैक्सेबल इन इंडिया ही होने वाला है तुम कुछ भी कर लो टैक्सेबल इन इंडिया ही होने वाला है फिर तुमने सर्विस कहा रेंडर की ये सब इन हो जाता इफ अमाउंट इज रिसीव इन इंडिया फर्स्ट क्लॉज अप्लाई कर देगा ये इंडियन इनकम है यस और नो फर्स्ट क्लास अप्लाई कर देगा ये इंडियन इनकम है वेरी गुड आप बहुत अच्छा जा रहे हो तीसरे चरण पे आ रहा हूं मैं तीसरा एग्जांपल इफ यू आर वर्किंग इन इंफोसिस इंफोसिस ने तुम्हें आउटसाइड इंडिया अपॉइंट किया पेमेंट भी आउटसाइड इंडिया किया इंफोसिस ने तुम्हें अपॉइंट आउटसाइड इंडिया किया पेमेंट भी आउटसाइड इंडिया किया इज इट टैक्सेबल इन इंडिया इज इट टैक्सेबल इन इंडिया बताओ जल्दी से बिल्कुल सही जवाब तुम लोगों के दिमाग में एग्जाम्पल सेट हो गया अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं यही इंफोसिस के जगह इंडियन गवर्नमेंट ने आउटसाइड इंडिया रखा था इंडियन गवर्नमेंट ने आउटसाइड इंडिया रखा था पेमेंट भी आउटसाइड इंडिया किया क्या यह टैक्सेबल है इंडियन गवर्नमेंट ने रखा क्या यह टैक्सेबल है जल्दी से बताइए क्या यह टैक्सेबल है बिल्कुल सही जवाब आप लोग के दिमाग में यह चीज सेट हो गई मुझे खुशी हुई यानी जनरली सर्विसेज जहां रेंडर की जाती है वहां टैक्सेबल है इसका एक एक्सेप्शन क्या है इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे अगर आप सर्विस करने जा रहे हो तो ये इसका एक्सेप्शन है समझ में आई बेटा बात चलो ध्यान से सुनना हमने दो चीजें पढ़ी है अब तक एक सैलरी अर्न इन इंडिया सैलरी फ्रॉम गवर्नमेंट टू एन इंडियन सिटीजन फॉर सर्विस रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया फॉर सर्विस रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया गेटिंग इट नॉट प्रभु अब हमारे तीसरे केस में डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी पेज नंबर सिक्सटीन पे आओ डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी ये बात सेक्शन आठ ने भी कही थी दैट डिविडेंड इज एन इनकम एंड इट विल बी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया सेक्शन नाइन ने इसे और फर्दर क्लैरिफाई कर दिया कि अगर डिविडेंट इंडियन कंपनी से मिला है तो यह हमेशा इंडियन इनकम माना जाएगा हम थर्ड पॉइंट पे आ रहे हैं रजिस्टर में लिखना डिविडेंट फ्रॉम एन इंडियन कंपनी एग्जाम्पल सहित लिखोगे तो जब घर पे जाकर रिवाइज करना होगा तब इशू नहीं आएगा यस yes. एग्जाम्पल लिखना लेट से विप्रो लिमिटेड इसने मिस्टर मेहता को डिविडेंड दिया इन In इंडिया इसने मिस्टर ट्रंप को दिया इन यूएसए एंड विप्रो इज एन इंडियन कंपनी बनाओ फटाफट बताओ मिस्टर मेहता को हर्षद मेहता एग्जाम्पल ले लीजिए स्कैम क्या बेहतरीन सीरीज बनाई है साहब मजा आ गया मजा आ गया मेरे को देख के आपने अगर नहीं देखी होगी ना साहब टाइम निकाल करके जरूर देखना जबरदस्त है मिस्टर मेहता को इंडिया में ही दिया अमाउंट इज रिसीव्ड इन इंडिया इज इट टैक्सेबल इन इंडिया यस इंडियन कंपनी से डिविडेंड फॉरेन गया विल दैट बी टैक्सेबल इन इंडिया अगेन यस किस हिसाब से सेक्शन नाइन कहता है अगर इंडियन कंपनी ने डिविडेंड दिया है पैसा वर्ल्ड में कहीं पे भी मिले ये माना जाएगा ये पैसा इंडिया में मिला है इंडिया में अक्रूअरइज हुआ है ये माना जाएगा कि ये पैसा इंडिया में मिला है इंडिया में अक्रूअरइज हुआ है यस ओनो मालिक अच्छा दो मिनट किसी बच्चे ने सेकंड पॉइंट नहीं लिखा है लिख लीजिए नहीं तो वो बाद में मेरे पे चिल्लाएगा किसी ने अगर ये सेकंड बच्चे ने मेरे से सवाल पूछा है कि सर अगर इंडियन कंपनी अमेरिका में बिजनेस करती है तो सर मुझे एक बात बताइए कि क्या उसने वहाँ डिविडेंड दिया तो क्या वो इंडियन इनकम मानी जाएगी ऐसा एक सवाल है मेरे पास बेटा मैं आपको सबसे पहली बात बता दूँ इंडियन कंपनी अगर वहाँ पे वर्क कर रही है तो हमें ये देखना होगा वो एज़ अ सब्सिडरी वर्क कर रही है या एज अ ब्रांच वर्क कर रही है ब्रांच अगर होगी तो यह कभी नहीं माना जाता कि ब्रांच ने डिविडेंड दिया है फिर यही माना जाता है इंडियन कंपनी ने दिया है इंडियन कंपनी की अगर सब्सिडरी वहां होगी और सब्सिडरी ने दिया होगा राइट तो वहां पर उसका इनकॉर्पोरेशन तो एज अ फॉरन कंपनी हुआ होगा तो यहां पर फिर उसकी टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होती नेक्स्ट आते हैं इंटरेस्ट पेबल इंटरेस्ट पेबल ध्यान से सुनिए इंटरेस्ट पेएबल इज दैट एन इनकम आइए एग्जाम्पल लिखते हैं इंटरेस्ट पेबल सर कई बार क्या होता है हम लोग लोन लेते हैं फ्रॉम आउटसाइड इंडिया कई बार ऐसा होता है हम लोग लोन लेते हैं आउटसाइड इंडिया से अब ऐसे केसेस में क्या होता है इंटरेस्ट अर्निंग होती है कहां से इंडिया से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं लेट से बोरिंग हुई यह बोरिंग कौन कर सकता है लेट से गवर्नमेंट ने करी फ्रॉम नॉन रेसिडेंट और लेट से किसी कंपनी ने करी सर फॉरेन से बोरिंग गुड ऑप्शन है कभी भी एक बेहतर ऑप्शन है क्योंकि फॉरेन के अंदर में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये बहुत कम है तो ऐसे केसेस में लेट से पतंजलि या इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन कंपनी से लेट से फॉरेन कंपनी से बोरिंग्स करी और इस बोरिंग्स के ऊपर इन्होंने क्या पे किया इंटरेस्ट पे किया अब एक सवाल उठता है यह इंटरेस्ट कहां पे अर्निंग मानी जाएगी जरा समझिएगा बोरिंग करी यहां पे ये इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ये इंटरेस्ट जब पे कर रहे हैं तो ये इंटरेस्ट नॉन रेसिडेंट के हाथ में ये नॉन रेसिडेंट के हाथ में या फॉरेन कंपनी के हाथ में क्या ये इनकम मानी जाएगी सेक्शन नाइन कहता है आंसर इज यस अगर ये इंटरेस्ट इंडिया से कमाया गया है अगर ये इंटरेस्ट इंडिया से कमाया गया है या अदरवाइज तो ये इनकम मानी जाएगी एंड दैट इनकम विल बी लाइबल टू टैक्स इन इंडिया दैट इनकम विल बी लाइबल टू टैक्स इन इंडिया सो अगर कोई नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी इंडिया से इंटरेस्ट इनकम अर्न कर रही है बोरिंग्स के ऊपर या फिर लेट से इसके अलावा उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए हैं बोरिंग के अलावा इंटरेस्ट पे आ सकता है इन्वेस्टमेंट्स पे आ सकता है उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट्स किए हैं और इस इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर उन्हें इंटरेस्ट मिल रहा है विल दैट इंटरेस्ट बी बी टैक्सेबल टैक्सेबल इन इन इंडिया इंडिया आंसर इज यस इंटरेस्ट इंटरेस्ट विल सो जस्ट चेक इट आउट की बात यहां पर कर रहे हैं इंटरेस्ट पेबल टू द गवर्नमेंट और अ पर्सन हु इज रेसिडेंट एक्सेप्ट वेयर द इंटरेस्ट इज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेप्ट इनकर्ड मनी बोरोड and used for the purpose of business and profession carried on by such person outside India or for the purpose of making an earning outside India. मान लीजिए कोई resident है जो pay कर रहा है किसके लिए ये पैसा को उसने use किया है किसी भी चीज के लिए use किया होगा except जब वो business ही outside India कर रहा है तो उस case को छोड़ दो A person who is non-resident where interest is payable in respect of debt incurred or money borrowed. फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड आउट बाई सच पर्सन इन इंडिया या कोई नॉन रेसिडेंट को आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो जिसका बिजनेस कहां हो इंडिया के अंदर में हो राइट right? ऐसे केसेस में अगर आपने उसको इंटरेस्ट पे किया है दैट इंटरेस्ट वुड बी लाइबल टू टैक्स इन इंडिया इट इज हियर बाय डिक्लेयर दैट इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट बींग अ पर्सन एंगेज इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग एनी इंटरेस्ट पेबल बायरिशमेंट इन इंडिया ऑफ सच नॉन रेसिडेंट टू देड ऑफिस और एनी परमानेंट स्टैब इसके लिए आप एग्जाम्पल देखना यह एग्जाम्पल सबसे पहले समझ में आया कि अगर इंटरेस्ट पे हो रहा है तो नॉन रेसिडेंट के हाथ में सच इंटरेस्ट इज टैक्सेबल पहले इतना एग्जाम्पल बनाओ उसके आगे इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे मैंने क्या कहा सो so, इंडिया से कभी भी कोई इंटरेस्ट कमाया दैट इंटरेस्ट विल बी लाइबल टू टैक्स इन इंडिया दैट इंटरेस्ट विल बी लाइबल टू टैक्स इन इंडिया अब जरा समझना एक प्रॉब्लम क्या हो रही थी अब जरा समझना एक प्रॉब्लम क्या हो रही थी इसी के नीचे लिखना एग्जाम्पल ऑन एक्सप्लेनेशन वन। देखिए समझिए बैंक ऑफ अमेरिका का एक ब्रांच बैंक ऑफ अमेरिका इन इंडिया था ध्यान से सुनना इस एग्जाम्पल को हम बात कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन वन की बैंक ऑफ अमेरिका से सिचुएटेड इन यूएसए इसका एक ब्रांच इंडिया के अंदर में था इंटरनेशनल टैक्स के शब्दों में इसे कहा जाता है पीई PE, मतलब परमानेंट स्टैब्लिशमेंट इंटरनेशनल टैक्स की भाषा में इसे कहा जाता है परमानेंट स्टैब्लिशमेंट ठीक है बैंक ऑफ अमेरिका का एक ब्रांच इंडिया में था दैट इज बैंक ऑफ अमेरिका इसके अलावा आप कई बैंक देख सकते हो जो फॉरेन बैंक है लेकिन इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं लेट्स स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ये इंडिया में ऑपरेट कर रहा है एच इंडिया में ऑपरेट कर रहा है बैंक ऑफ अमेरिका रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड ये सब इंडिया में वर्क कर रहे हैं उनके लिए ये सबसे बेहतरीन पॉइंट पॉइंट था जरा समझिए अब ये बैंक का एक ब्रांच कहां था इंडिया के अंदर में था राइट होता क्या था वो इस ब्रांच को मैनी टाइम्स लोन देते थे और ये ब्रांच इन्हें क्या करता था इंटरेस्ट पे करता था बराबर है अब प्रॉब्लम कहां आराइज हुई ये समझना प्रॉब्लम कहां आराइज हुई ये समझना ये जो इंटरेस्ट बैंक ऑफ अमेरिका इंडियन ब्रांच यूएसए को दे रहा था इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि इसे हम इनकम मानेंगे और इसको हम टैक्स करेंगे तो डिपार्टमेंट कहता है डिपार्टमेंट बैंक ऑफ अमेरिका डिपार्टमेंट कहता है इंडियन ब्रांच ने जो यूएसए ब्रांच को पैसा दिया है मैं इसे टैक्स करूंगा इंडिया के अंदर में बैंक ऑफ अमेरिका ऐसे कैसे टैक्स कर लोगे क्या हक है तुम्हें ऐसा टैक्स करने का कुछ भी बात करो दिमाग खराब है तुम्हारा सर पे गिरे हो तुम क्यों टैक्स करोगे भला आप समझ नहीं रहे आपने शायद टैक्स ढंग से नहीं पड़ा अगर इंडिया से इंटरेस्ट अर्न किया तो ये टैक्सेबल है इंडिया के अंदर में सेक्शन नाइन है जाके पढ़ लो सर सेक्शन नाइन को रखो बाजू थोड़ा सा कॉमन के साथ सेंस लगाओ थोड़ा कॉमन के साथ सेंस लगाओ मेरा ही ब्रांच मुझे ही पैसे दे रहा है ये इनकम थोड़ी ना हुई ये तो ऐसी बात हो गई हम एक जेब से पैसा निकाल के दूसरे जेब में रख रहे बोले देखो इनकम हुई है ऐसा थोड़ी ना होता है मेरे ही ब्रांच उसे शॉर्ट टर्म लोन दिया था इसके ऊपर हमने इंटरेस्ट चार्ज किया ऐसे केस में तो वो फंडिंग कैसे होगी उसको उस ब्रांच को फंडिंग कैसे होगी मेरे ही ब्रांच को मैं पैसा दे रहा हूं और उसी से इंटरेस्ट ले रहा हूं आप बोल रहे हो ये इनकम है टैक्स नहीं होना चाहिए फॉरेन बैंक्स बड़े नाराज हुए इस तरह के लॉ के लिए उनने कहा कि एटलीस्ट बैंक्स को तो छोड़ो बैंक्स का तो काम ही अपने ब्रांच को फंडिंग करना और उससे लेना और इस शॉर्ट टर्म के लिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है बैंक ऑफ अमेरिका के पास भी पैसा नहीं होता और उन्हें भी किसी दूसरे बैंक से लोन लेना होता है तो वो भी इंटरेस्ट देते हैं इस चीज के लिए वो अपने ब्रांच को भी चार्ज करते हैं फंडिंग के लिए तो फॉरन बैंक ने कहा यह लॉ आपका गलत है ऐसे केस में तो हम इंडिया में सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे ऐसे केस में तो हम इंडिया में सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे एक लॉ लाया गया स्पेसिफिकली बैंक्स के लिए कहा गया कि अगर इंडियन ब्रांच मतलब अगर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट से इंटरेस्ट आया है तो ऐसे केस में दिस इंटरेस्ट फ्रॉम अ पीई इन इंडिया इज नॉट टैक्सेबल फॉरेन बैंक क्योंकि बड़े नाराज हुए उन्होंने कहा ये तो मैं मेरे को ही लोन दे रहा हूँ और उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट ले रहा हूं तो तुम बोल रहे हो इसको इंटरेस्ट इनकम मानो टैक्स डिडक्ट करो टैक्सेबल करो ये सब तो नहीं हो सकता तो बैंक के लिए एक ऐसी छूट लाई गई कि जनरली जब भी नॉन रेसिडेंट को या फॉरन कंपनी को इंटरेस्ट दिया जाता है दैट इज टैक्सेबल इन इंडिया पर अगर अपने ही ब्रांच को दिया और उससे कोई इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं तो इसे इनकम नहीं माना गया इधर देखो यही चीज एक्सप्लेनेशन में लिखी है देखो वर्ड कितने भारी होते हैं बैरैक्ट में और मैं आपको कितना चीजें सिंपलीफाई करके दे रहा हूं यह बैरैक्ट की लैंग्वेज है जरा ध्यान से देखना इट इज हियर बाय डिक्लेयर दैट इन केस ऑफ अ नॉन रेसिडेंट बीइंग अ पर्सन एंगेज इन द बैंकिंग बिजनेस किसके बारे में बात कर रहे हैं बैंक ऑफ अमेरिका यूएसए एनी इंटरेस्ट पेबल बाय परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया किसकी बात कर रहे Bank of America, India. It is hereby declared that in case of a non resident being engaged in the bank and any interest payable by PE in India of such non resident to head office or any permanent establishment or other part of such non resident outside India shall deem to accrue or arise in India and shall be chargeable to tax in addition to any income attributable to PE in India.

कोर्ट ने कहा यस ये तो आप बात सही कह रहे हो डिपार्टमेंट हारा था जैसे डिपार्टमेंट हारा एक एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया उन्होंने कहा बेटा ये गेम हमारे साथ मत खेलो एक एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया अगर बैंक ऑफ अमेरिका यूएसए कोई पैसा मिलता है बैंक ऑफ अमेरिका इंडिया से भले अपने ब्रांच से पैसा मिल रहा है एनी परमानेंट स्टैब्लिशमेंट और एनी पार्ट ऑफ नॉन आउटसाइड इंडिया शेल डीम टू अक्रोरराइज इन इंडिया एंड शेल बी चार्जेबल टू टैक्स जब जब डिपार्टमेंट हारा है तब तब अमेंडमेंट आया है फाइनल कंक्लूजन क्या है अगर इंडियन ब्रांच से भी फॉरेन ब्रांच को पेमेंट हो रहा है तो इसे इनकम माना जाएगा और इस पर टैक्स कलेक्ट किया जाएगा जहां पहले नहीं होता था एक्सप्लेनेशन एड किया और बोला इट शेल बी डीम टू अक्रूअर और अराइज इन इंडिया एंड शैल बी चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया इन एडिशन टू इनकम एट्रीब्यूटेबल टू द पीई इन एडिशन टू एट्रीब्यूटेबल टू पीई मतलब जो इनकम इंडिया से आ रही है वो तो हो गई ये इंटरेस्ट इनकम भी हम चार्जेबल टू टैक्स करेंगे एंड पीई इन इंडिया शैल डीम टू बी ए सेपरेट पर्सन और यह माना जाएगा कि जो पीई .E. इंडिया में है जो ब्रांच इंडिया में है यह एक सेपरेट पर्सन है भले ही उसका ब्रांच है पर माना जाएगा यह एक सेपरेट पर्सन है सेपरेट पर्सन से इंटरेस्ट रिसीव हुआ है एंड यस दिस विल बी लाइबल टू टैक्स इन इंडिया देख रहे हो जब जब इंडियन गवर्नमेंट हारता है इस तरीके के एक्सप्लेनेशन एड कर देता है गेम ओवर अब लॉजिकली देखोगे तो तुम सेम ही ब्रांच है तुमको लगेगा सर ये तो इंडियन गवर्नमेंट ने गलत किया है कुछ गलत नहीं किया अगर ऐसा ना करते अगर ऐसा ना करते तो आओ दूसरे साइड ऑफ द पेज भी दिखाता हूं तुम्हें अगर ऐसा ना करते और ब्रांच का इंटरेस्ट अलाउ कर देते और यहां इनकम ट्रीट नहीं होता तो पता है इंडियन बैंक क्या करती जो ब्रांच इंडिया में है वो क्या करती मालूम है मैक्सिमम इंटरेस्ट आउटसाइड इंडिया दे देती लोन के ऊपर ये दोनों मिलकर के एक अग्रीमेंट बनाते बोलते रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 90 परसेंट यहां से पैसा अमेरिका को दिया जा जाता था उनके हाथ में इनकम नहीं और ये एक्सपेंसेस बुक कर लेते एक्सपेंसेस बुक कर लेते तो इंडिया में प्रॉफिट ही नहीं दिखता और टैक्स जीरो हो जाता इस तरह के, के टैक्स प्लानिंग को रोकने के लिए भले ही सेम ब्रांच था भले ही ये सेम ब्रांच था सेम कंपनी का था पर सेपरेट पर्सन माना गया ताकि इस तरह की कोई टैक्स प्लानिंग ना हो यह था इसके पीछे का रियल हिस्ट्री और ऑब्जेक्टिव ये सोनो स और नो ये समझ में आया या नहीं आया ये बताइए यहां तक के समझ में आया नहीं आया ये बताइए यहां तक के कोई डाउट है तो यह बताइए तो पॉइंट बड़ा सिंपल है अगर इंटरेस्ट अर्न किया जा रहा है कहां से इंडिया से कौन पे कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट पे कर रही है कोई रेसिडेंट पे कर रहा है या कोई नॉन रेसिडेंट दूसरे नॉन रेसिडेंट को दे रहा है इंडिया में बिजनेस के लिए तो ये इंटरेस्ट इंडिया से जो अर्न किया हुआ है यह टैक्सेबल इन इंडिया होगा साथ ही साथ में अगर कोई फॉरेन कंपनी का इंडियन ब्रांच भी है बैंकिंग बिजनेस में एंगेज वो भी इंटरेस्ट देता है तो ये इनकम माना जाएगा यहां तक के समझ में आया यस और नो जिनको नहीं आया वापस से एक बार मैंने पूरा समझाया अब बताइए मतलब टैक्स लगेगा अरे टैक्स तो बिल्कुल लगेगा ना वही तो हम बात कर रहे हैं कि जो इंटरेस्ट इंडिया से अर्न किया है भले ही तुम बैंकिंग बिजनेस में ही क्यों ना हो पर जो इंटरेस्ट नॉन रेसिडेंट ने अर्न किया है दैट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया अगर फॉरेन कंपनी इन इंडिया लोन देती है उसके फॉरेन कंपनी को तो वो टैक्सेबल होगा क्या सुनीता पहले क्वेश्चन को सोचो समझो और फिर जवाब दो इंडियन कंपनी लोन दे रही है इंटरेस्ट कहां रिसीव हुआ इंडिया में बाय डिफॉल्ट इट इज टैक्सेबल अब समझ में आया सभी लोगों को एवरीबॉडी यहां तक के समझ में आया क्या क्या डिस्कस किया, आप तक डिस्कस किया अब तक हमने देखिए हमने चार पॉइंट डिस्कस किया से पहले ही बोला ये थोड़ा सा ब्रॉड है और आपको बहुत बड़ा सोचना पड़ेगा ये थोड़ा सा बॉड है अगर पतंजलि की फॉरेन सब्सिडरी ने लोन लिया हो एंड उस पर इंटरेस्ट दिया हो तो इंडिया में टैक्सेबल होगा क्या बेटा पतंजलि की अगर फॉरेन सब्सिडी है तो वो वहां इनकॉर्पोरेट हुई होगी इट इज ऑल टूगेदर अ सेपरेट कंपनी पूरा ट्रांजैक्शन आउटसाइड इंडिया हुआ है सेपरेट लीगल एंटिटी नाम का कंसेप्ट पढ़ा होगा ना तुमने उसकी टैक्सेबिलिटी फिर इंडिया में कहां से आई इंडियन गवर्नमेंट आईएमएफ से लोन लेता है इंटरेस्ट देता है तो क्या उस पर टैक्स लगेगा क्या ये इनकम है आईएमएफ का इस पर टैक्स लगना चाहिए लेकिन एग्जाम्सन दिया हुआ है लेकिन एग्जाम्शन दिया हुआ है इस पे पर टैक्स लगना चाहिए पर दिया हुआ है यस yes, मालिक क्या क्या पढ़ा हमने सैलरी अर्न इन इंडिया अगर कोई इंडिया में आकर के सर्विस करता है इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया सेकेंड सैलरी अर्न आउटसाइड इंडिया अगर कोई इंडियन गवर्नमेंट किसी को पे कर रहा है आउटसाइड इंडिया इट विल बी डीम टू क्रोर अराइज इन इंडिया तीसरा इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिले वर्ल्ड में कहीं पे भी मिले इट इज टैक्सेबल इन इंडिया चौथा अगर इंडिया से इंटरेस्ट इनकम अर्न कर रहे हो चाहे इंडियन गवर्नमेंट से कर रहे हो किसी रेसिडेंट एस से कर रहे हो जो इंडिया में बिजनेस कर रहा है या नॉन रेसिडेंट एस से कर रहे हो जो बिजनेस कर रहा है ऐसे केस में जितना भी इंटरेस्ट इंडिया से अर्न किया होगा उसको टैक्सेबिलिटी आएगा एक सवाल उठ रहा था क्या जो फॉरिन बैंक कह रहे थे कि हमारे ब्रांड से हमको इंटरेस्ट मिल रहा है ये हमारी इनकम थोड़ी नहीं हुई गवर्नमेंट इस केस में हारा था गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट लाया एक एक्सप्लेनेशन ऐड किया एक्सप्लेनेशन ऐड करके बोला बापू इट विल बी इनकम टैक्सेबल इन इंडिया इंडियन ब्रांच को एक सेपरेट पर्सन माना जाएगा और इससे भी जो तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल इनकम ये टैक्सेबल होगा गेटिंग और नॉट ये हुआ बेटा इंटरेस्ट पेबल कहां तक के पॉइंट हमने कर लिए हैं चेक कीजिएगा इंटरेस्ट पेबल Interest पर्सन by पेबल person. पेज पे टिक करते जाइए पेज नंबर ने डिटेल में डिस्कस कर लिया यहां तक के सबको समझ में आया आप हां बोलोगे तो ही आगे बढ़ूंगा नहीं तो नहीं बढ़ूंगा कोई और सवाल है बिंदास पूछो आज मैं आपको इन बिटवीन सवाल पूछने पे भी नहीं रोक रहा हूं सर आपने वहां नॉट टैक्सेबल लिखा है कहा बेटा कहा हमने नॉट टैक्सेबल लिखा है अरे मेरे भाई ये नॉट टैक्सेबल पहले था बाद में इसमें एक्सप्लेनेशन ऐड किया अब ये टैक्सेबल है यही तो मैं आपको बता रहा था ना कि डिसीजन आया नॉट टैक्सेबल फिर ये एक्सप्लेनेशन ऐड हुआ आज का सिचुएशन क्या है अब ये टैक्सेबल है अमेंडमेंट नहीं है बेटा वो एक्सप्लेनेशन एड किस वजह से हुआ था वो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा था इज द डन बेटा सबको समझ में आया सबकी अप्रूवल नहीं आई अब तक सबको समझ में आया हा यहा एवरीबॉडी आपका अभी तक के मुझे यस नहीं दिखा है यहां तक के क्लियर है ऐसा क्यों लग रहा है कि भैया बहुत सारे लोग ऑनलाइन हैं, लेकिन रिप्लाई सिर्फ दो तीन ही कर रहे हैं अगर परमानेंट स्टेब्लिशमेंट से कोई इंटरेस्ट आता है वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा एवरीबडी डन चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट इज रॉयल्टी Royalty Next point Royalty Point number five Royalty earned from India Royalty earned from India डन सर ओके नाउ चेक अस अंडरस्टैंड दिस इन अ वेरी गुड मैनर रॉयल्टी अर्न फ्रॉम इंडिया सुजुकी मारोती मारुती सुजुकी को रॉयल्टी पे करता है फॉर द पेटेंट्स सुजुकी इज अ नॉन रेसिडेंट वाइल मारुती इज रेसिडेंट अंडरस्टैंड सुजुकी अ नॉन रेसिडेंट इज अर्निंग रॉयल्टी इनकम फ्रॉम इंडिया इज दैट रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स टैक्सेबल इन इंडिया आंसर इज यस. इट इज टैक्सेबल इन इंडिया इट इज टैक्सेबल इन इंडिया सो अगर रॉयल्टी इनकम इंडिया से अर्न की जाती है इट इज टैक्सेबल इन देंड ऑफ नॉन रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को अगर इंडिया से रॉयल्टी इनकम आती है ठीक उसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर वन हो गया साहब ये एग्जाम्पल नंबर टू समझ लीजिए राइट सिंगापोर मेट्रो कॉरपोरेशन सिंगापोर मेट्रो कॉरपोरेशन

बी लाइबल टू टैक्स इन इंडिया विल बी लाइबल टू टैक्स इन इंडिया चलिए पेज नंबर सेवेंटीन इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी पेबल बाय कोई इंडियन गवर्नमेंट से आ रहा है किसी रेसिडेंट से मिल रहा है या फिर किसी नॉन रेसिडेंट से मिल रहा है रॉयल्टी अगर अर्न कर रहे हैं रेसिडेंट एक्सेप्ट वेयर द रॉयल्टी इज पेबल फॉर इंफॉर्मेशन सर्विसज यूटिलाईज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय सच पर्सन आउटसाइड इंडिया और फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग आउटसाइड इंडिया अगर किसी रेसिडेंट ने रॉयल्टी आउटसाइड बिजनेस लेट से किसी रेसिडेंट का बिजनेस ही आउटसाइड इंडिया है पेटेंट भी उसने वहीं यूज किए रॉयल्टी भी वहीं पे करी तब तो टैक्सीबिलिटी इंडिया में आई नहीं सकती अगर कोई रेसिडेंट है जिसने उस पेटेंट को इंडिया में यूज किया है और इसके लिए रॉयल्टी दे रहा है दैट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया इंडिया बिकॉज ये रॉयल्टी इनकम कहां से हुई? इंडिया से हुई वो पेटेंट का यूज कहां हुआ इंडिया में तो टैक्सेबिलिटी कहां राइज होगी इंडिया में ठीक उसी तरीके से कोई नॉन रेसिडेंट है वेयर द रॉयल्टी इज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी राइट प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन कैरिड आउट इन इंडिया और फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन इंडिया मान लीजिए कोई नॉन रेसिडेंट है इंडिया में ही बिजनेस कर रहा है इंडिया में ही पेटेंट यूज कर रहा है वो नॉन रेसिडेंट दूसरे नॉन रेसिडेंट को पे कर रहा है फॉर दैट पेटेंट यूज इन इंडिया फॉर दैट पेटेंट यूज इन इंडिया दैट अमाउंट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया छोटा सा एग्जाम्पल इज कोका कोला एन इंडियन कंपनी आंसर इज नो आंसर सुनिएगा कोका कोला लिमिटेड कोका कोला यूएसए इंडिया ये नॉन रेसिडेंट कंपनी विच इज ऑपरेटिंग इन इंडिया पेइंग टू नॉन रेसिडेंट फॉर बिजनेस इन इंडिया यहां जो रॉयल्टी पे होगी विल दिस बी टैक्सेबल इन इंडिया आंसर इज यस। सो गवर्नमेंट ने रॉयल्टी पे करी किसी रेसिडेंट ने रॉयल्टी पे करी या नॉन रेसिडेंट ने दूसरे नॉन रेसिडेंट को दिया बट पेटेंट इज यूज इन इंडिया दैट पेटेंट इज यूज इन इंडिया दैट रॉयल्टी इनकम विल बी टैक्सेबल इन इंडिया दैट रॉयल्टी इनकम विल बी टैक्सेबल इन इंडिया यहां तक समझ में आया सभी को कोई सवाल जल्दी से बताइए रॉयल्टी अगर इंडिया ठीक इंटरेस्ट के जैसा ही काम है वही बात वापस यहां लिखी हुई है इंटरेस्ट हो रॉयल्टी हो अगर ये इंडिया से अर्न करिए इंडियन गवर्नमेंट से आई किसी रेसिडेंट से आई जो पेटेंट इंडिया में यूज कर रहा है या नॉन रेसिडेंट से आई जो इंडिया में इनकम अर्न कर रहा है ये रॉयल्टी किसी भी नॉन रेसिडेंट के हाथ में जाएगी उस नॉन रेसिडेंट को रॉयल्टी पे इंडिया में टैक्स देना होगा इंडिया में टैक्स देना होगा यस सर प्रोवाइडेड दैट Nothing contained in this clause shall apply in relation to so much of the income by way of royalty as consists of lump sum consideration for transfer outside India of or imparting of information outside India in respect of any data, documentation, drawing, specification relating to any patent, inventory, model, design, secret, formula, or trademark, etc. If such income is payable. इन pursuance टू एन अग्रीमेंट मेड बिफोर 1976 and agreement एंड अग्रीमेंट इज central बाय सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पे ऐसा स्टार मार्क लगाओ ये पॉइंट है अग्रीमेंट बिफोर 1976। पहले आपको इसकी हिस्ट्री समझना होगा तब आप ये वर्ड समझ पाओगे पहले आपको इसकी हिस्ट्री समझना होगा फिर आप इस वर्ड को समझ पाओगे हुआ क्या था 1976 के पहले के अग्रीमेंट्स की बात कर रहे हैं ये लोग एनी अग्रीमेंट मेड बिफोर 1976 एंड दैट अग्रीमेंट इज अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट सर 1976 के पहले यानी हम बहुत पुरानी बात कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट को इंडिया को आगे ले जाना था विभाजन हुआ ही था पाकिस्तान अलग हुआ था और देश हमारा इंडिपेंडेंट होने के बाद अब इसे एक फास्ट ट्रैक पे लाना बहुत जरूरी था इस फास्ट ट्रैक पे लाने के लिए क्या किया गया हमने अलग अलग कंट्रीज के अग्रीमेंट किया कि आप आए इंडिया के अंदर में अपने पेटेंट दें रॉयल्टी कमाएं और इंडिया इससे डेवलप होगा अपनी मशीनरी दें अपना एक्सपीरियंस शेयर करें अपना टेक्निकल नुहाओं दें और हम आपको इसके बदले में रॉयल्टी पे करेंगे फॉरेन गवर्नमेंट को क्या मोटिवेशन था यहां आने का वैसे मैं आपको बता दू नाइनटीन ये वो टाइम भी था जब इंडिया हाइएस्ट रेट ऑफ टैक्सेस पे था फॉरिन कंपनीज फॉरन गवर्नमेंट्स ने कहा कि हम इंडिया में क्यों आए हम इंडिया में आएंगे तुम ह्यूज टैक्सेस हमें लगा दोगे एक तो हम तुम्हें टेक्नोलॉजी भी दें और तुम हम पे हैवी टैक्सेस भी लगा दो कोई ऐसा तरीका निकालो कि बॉस क्लियर कुछ ऐसा तरीका निकालो कि हमें टैक्सेस भी ना लगे और तुम्हें टेक्नोलॉजी भी मिल जाए तो 1976 के पहले जो अग्रीमेंट बने उनको एक्सेप्शन दिया गया वो अग्रीमेंट आज भी चल रहे हैं लॉ कहता है कि अगर कोई 1976 के पहले का अग्रीमेंट है और उस अग्रीमेंट के तहत रॉयल्टी दी जा रही है उस अग्रीमेंट के तहत रॉयल्टी दी जा रही है तो आज भी उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा आज भी हम उसे इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे सो so, से किसी कंपनी ने 1976 से पहले ही दिए हुए हैं और आज भी इनके ऊपर रॉयल्टी पेमेंट्स हो रहे हैं आज भी इनके ऊपर रॉयल्टी पेमेंट्स हो रहे हैं दैट रॉयल्टी इज नॉट लाइबल टू टैक्स इन इंडिया इज नॉट लाइबल टू टैक्स इन इंडिया दैट रॉयल्टी विल डीम टू अक्रूअराइज आउटसाइड इंडिया सो अग्रीमेंट बिफोर नाइनटीन नॉट लाइबल टू टैक्स इन इंडिया डन सर चलिए सर पहले टैक्सेबल नहीं था अब ऐसा क्यों है बेटा ये 1976 के पहले किए गए अग्रीमेंट है आज अगर कोई नया आता है हम उसे टैक्स कर रहे हैं 1976 के पहले के अग्रीमेंट जिन पे आज भी हम दे रहे हैं भारत सरकार ने उसको पहले से एग्जाम करके रखा हुआ है क्यों क्योंकि उस टाइम हमने वादे किए थे और कुछ वादे निभाने पड़ते हैं लाइफ में कुछ वादे लाइफ में निभाने पड़ते हैं तो ये एक पुराना प्यार था जिसे आज भी कंटिन्यू किया गया है अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे ये किस्सा बड़ा मजेदार है ये जो नेक्स्ट पैरा है यहां पे भी एक स्टार मार्क लगाइए और जरा ध्यान से सुनिए हुआ क्या किस्सा बड़ा मजेदार है किस्सा ये है कि कंपनी जो थी ये कंपनी जो थी ये कंप्यूटर सेल कर रही थी और कंप्यूटर के साथ साथ सॉफ्टवेयर भी दे रही थी कंप्यूटर के साथ साथ सॉफ्टवेयर भी दे रही थी जनरली जब कंप्यूटर आते हैं इसके साथ साथ सॉफ्टवेयर आते हैं पर देखो ये इश्यू कैसे बन जाता है कंपनीज कंप्यूटर के साथ साथ इन लोडेड सॉफ्टवेयर दे रही थी बराबर है डिपार्टमेंट ने कहा कि टेक्निकली हार्डवेयर का पैसा अलग और जो तुम सॉफ्टवेयर दे रहे हो सॉफ्टवेयर का पेमेंट कर रहे हो इस सॉफ्टवेयर के पेमेंट को हम रॉयल्टी मानेंगे इस सॉफ्टवेयर के पेमेंट को हम क्या मानेंगे रॉयल्टी मानेंगे कंपनीज ने कहा सर कैसी बातें कर रहे हो कंप्यूटर आएगा कंप्यूटर के साथ साथ सॉफ्टवेयर आएगा ये एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ये एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट और सिंगल कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है इसमें रॉयल्टी कहां से आ गई डिपार्टमेंट नहीं नहीं आप कंप्यूटर दे रहे हैं और उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर दे रहे हैं ये अलग अलग चीजें मानता हूं मैं और सॉफ्टवेयर का जो पेमेंट किया जा रहा है हम इसे रॉयल्टी ट्रीट करेंगे हम इसे रॉयल्टी ट्रीट करेंगे अब ये थोड़ी सी अलग बात है आप समझिए कंप्यूटर के साथ साथ आज जब आप मोबाइल लेते हो अंडरस्टैंड करना आज जब आप मोबाइल लेते हो इसके साथ साथ इसका सॉफ्टवेयर आता है एंड्रॉयड बेस्ड सॉफ्टवेयर कुछ एप्स इसके साथ आते हैं और आपको एक टोटल पैकेज दिया जाता है और इस टोटल पैकेज का प्राइस आप पे करते हो ऐसा है क्या कि कंप्यूटर का अलग करते हो सॉफ्टवेयर का अलग करते हो नहीं पर डिपार्टमेंट ने एक व्यू रखा ये चीज सामने इस बात को क्लैरिफाई करते हुए नेक्स्ट पॉइंट आया रॉयल्टी बोल के टैक्स नहीं होगा नथिंग कंटेंट इन दिस क्लॉज शेल अप्लाई इन रिलेशन टू सो मच ऑफ इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी एज इज कंसिस्ट ऑफ द लमसम पेमेंट मेड बाय अ पर्सन हु इज रेसिडेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ ऑल ऑफ द राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सप्लाइड बाय नॉन रेसिडेंट मैन्युफैक्चरर अलॉन्ग विद कंप्यूटर और कंप्यूटर बेस्ड इक्विपमेंट अंडर द स्कीम अप्रूव बाय द पॉलिसी ऑन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट यानी अगर कंप्यूटर के साथ साथ सॉफ्टवेयर आ रहा है तो ऐसे केसेस में इसे रॉयल्टी पेमेंट नहीं माना जाएगा सो इफ सॉफ्टवेयर यह पुराने केसेस है पर आज भी बैराक्ट के अंदर में यह वर्ड है इस सॉफ्टवेयर इज प्रोवाइडेड Along with computer, it will not be treated as royalty. इसे क्या नहीं माना जाएगा रॉयल्टी नहीं माना जाएगा देखो कितने टेक्स स yes ऑन no? तो जनरली पूरा रॉयल्टी यहां तक का वापस एक्सप्लेन करता हूं इंडियन गवर्नमेंट से मिले किसी रेसिडेंट से मिले जो उस पेटेंट को इंडिया में यूज कर रहा है किसी नॉन रेसिडेंट को मिले जो ये पेटेंट को इंडिया में यूज कर रहा है किसी भी नॉन रेसिडेंट को रॉयल्टी मिली दैट रॉयल्टी इज टैक्सेबल इन इंडिया फिर हमने एक और पॉइंट देखा कि अगर ये रॉयल्टी किसी अग्रीमेंट के तहत मिली है जो नाइनटीन के पहले है तो यह रॉयल्टी टैक्सेबल होगी नहीं फिर हमने देखा कि कंप्यूटर के साथ साथ जो सॉफ्टवेयर आता है इसे सेपरेट नहीं माना जाएगा ये ऑल टुगेदर सिंगल पार्ट माना जाएगा और इसका अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा एज रॉयल्टी इसका अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा एज रॉयल्टी ये नो मालिक यहां तक के पहले सबको समझ में आया है क्या तो बताओ तो आगे जाने का मतलब है यहां तक के सबको समझ में आ गया है हां तो आगे जाने का मतलब है कोई डाउट है तो प्लीज यही पूछे निशांत आपका डाउट है ये चैप्टर कब खत्म होगा ऐसा सवाल क्यों है मुझे बताइए क्लियर सर साउंड लो है ठीक है सर मैं देखता हूं बाकी सबके जवाब नहीं आए साहब हाँ कंप्यूटर से मिली इनकम पे तो देना होगा ना यार आप कहा अलग जा रहे हो किशन एनीथिंग दैट इज सेल ऑफ गुड अलग से आप लोगे तो आएगा सेल ऑफ सेपरेट सॉफ्टवेयर तब आएगा डन चलो अब बेटा आगे बढ़ना मालिक यहां तक के एक बार पूरा रिवाइज करते हैं क्या बोलते हो सर है कहा हम क्योंकि हम इतने डीप में जा चुके हैं कि सर सच में आज बहुत डीप चले गए हम लोग ये सो नो बट आप वापस जब मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे ये आ जाएगा पहली बार पढ़ रहे हो और ऐसी चीजें पढ़ रहे हो जो तुमने आज तक के कभी पढ़ी नहीं है समझ में आ रहा है टेक्स का डेप्थ समझ में आ रहा है तुमको अभी तुम सिर्फ दूसरे चैप्टर पे हो राइट right? नाउ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्शन पांच सर पांच का नौ no. लिंक है सेक्शन पांच से पांच ने हमें कहा था बेटा इंडियन इनकम इंडियन इनकम ढूंढने निकले तो चार वर्ड मिले रिसीव्ड इन इंडिया टू बी रिसीव्ड इन इंडिया अक्रूड इन इंडिया टू राइज इन इंडिया बराबर है डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया के अंदर में पड़ा सेवन एंड एट डीम टू अक्रूड राइज इन इंडिया के अंदर पड़ रहे हैं नाइन नाइन के अंदर में कितने पॉइंट लिखे हुए हैं ये रहा नाइन नाइन के अंदर में कितने पॉइंट लिखे हैं Nine के अंदर में कुल टेन पॉइंट लिखे हुए हैं नाइन के अंदर में कुल लिखे हुए हैं पॉइंट नंबर टू क्या कह रहा था सैलरी अर्न इन इंडिया चलिए रिवाइज करते हैं अगर सैलरी इंडिया में अर्न की गई है पैसा मिला तब तो ठीक है सर्विसेज इंडिया में रेंडर की गई है अमाउंट इज टैक्सेबल इन इंडिया समझ आया हा या ना फटाफट कमेंट करना समझ में आया हा या ना सैलरी वहां टैक्सेबल होती है जहां सर्विसेज रेंडर हुई हो उसी तरीके से अगर सर्विसेज इंडिया में रेंडर हुई है तो टैक्सेबल इन इंडिया हां या ना जल्दी जल्दी कमेंट करो ये पॉइंट क्लियर है शानदार वेरी गुड आगे बढ़ता हूं दूसरा पॉइंट था सैलरी फ्रॉम गवर्नमेंट टू एन इंडियन सिटीजन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया अगर इंडियन गवर्नमेंट इंडियन सिटीजन को सैलरी दे रही है आउटसाइड इंडिया दैट सैलरी वुड भी टैक्सेबल इन इंडिया यह माना जाएगा दैट इनकम इज डी टू अक्रूअर अराइज इन इंडिया सो इंडियन गवर्नमेंट ने लेट से रॉके एजेंट टाइगर को पेमेंट किया आउटसाइड इंडिया स्टिल दैट अमाउंट वुल इन इंडिया हा यहां हा यहां जल्दी बोलो फटाफट फर्त बोलो आगे बढ़ने का है। मुझे मैंडेटरीली जहां किसी को कुछ नहीं समझा होगा वो पॉइंट पे हम लोग वापस डिस्कशन कर लेंगे तीसरा पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था डिविडेंड इंडियन कंपनी अगर डिविडेंड डिविडेंड दे रही है ये वर्ल्ड में कहीं पे भी हो टैक्सेबल होगा इंडिया के अंदर में टैक्सेबल होगा इंडिया के अंदर में एग्जाम्पल था रिलायंस का अपना रजिस्टर चेक कर सकते हो टैक्सेबल था एग्जाम्पल uh, था रिलायंस का रिलायंस या विप्रो अगर इंडियन uh, किसी भी व्यक्ति को डिविडेंड डिविडेंड दे रही है दैट वुड बी टैक्सेबल इन इंडिया हाँ या हाँ समझ में आया वेरी गुड बेटा फोर्थ इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट पेबल बाय स्पेसिफाइड पर्सन इंडियन गवर्नमेंट रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट पे करता है इंटरेस्ट टू अनादर नॉन रेसिडेंट पे करता है इंटरेस्ट टू अनादर नॉन रेसिडेंट इन शॉर्ट जो इंटरेस्ट इंडिया से अर्न किया है किसी भी नॉन रेसिडेंट ने दैट विल बी लाइबल टू टैक्स इन इंडिया दैट विल बी लाइबल टू टैक्स इन इंडिया इनफैक्ट अगर कोई इनफैक्ट एक्सप्लेनेशन वन अगर कोई फॉरेन ब्रांच फॉरेन बैंक इंडियन ब्रांच से भी इंटरेस्ट कलेक्ट करता है तो यह भी टैक्सेबल होगा यह समझ में आया या नहीं एग्जाम्पल बैंक ऑफ अमेरिका बैंक ऑफ अमेरिका इंडियन ब्रांच इंडियन ब्रांच भी अगर बैंक ऑफ अमेरिका को पे करता है यह इंटरेस्ट जो बैंक ऑफ अमेरिका यूएसए में कमा रहा है दैट विल बी लाइबल टू टैक्स इन इंडिया यस और येस बेहतरीन आगे बढ़ते हैं रॉयल्टी इंडियन गवर्नमेंट से मिले रेसिडेंट से मिले या नॉन रेसिडेंट जो इंडिया में इस पेटेंट को यूज कर रहा है यहां से कोई रॉयल्टी अर्न की है इंडिया से कोई रॉयल्टी अर्न की है दैट रॉयल्टी विल बी टैक्सेबल इन इंडिया लेकिन ये रॉयल्टी 1976 के पहले अग्रीमेंट के तहत होगी तो ये टैक्सेबल नहीं है ये रॉयल्टी अगर तुम बोल रहे हो कंप्यूटर के साथ साथ जो सॉफ्टवेयर आया उस पर बेस्ड है तो यह रॉयल्टी इंडिया में टैक्सेबल नहीं है हा यहां डन सर चैप्टर का लेंथ एंड ब्रेथ समझ आ रहा है तुमको इतना टेक्निकल पॉइंट है तुम लॉ के क्लियर कट वर्ड्स देख रहे हो बेरेक्ट के क्लियर कट वर्ड्स देख रहे हो ये वर्ड्स एज इट इज तुम्हारे मॉड्यूल के अंदर में भी लिखे हुए हैं अब इमेजिन करो जब तुम ये सेल्फ पढ़ने जाओगे और ऐसे एग्जाम्पल में तुम्हें ना दू तो कितना मुश्किल हो जाएगा यह पढ़ना मेरे हिसाब से यह पर्टिकुलर सेक्शन फाइनल में होना चाहिए बट आपको इंटर में भी दिया और फाइनल में भी दिया है आपको इंटर में भी दिया और फाइनल में भी दिया है और ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है आइए रॉयल्टी खत्म नहीं हुआ है पेज नंबर एटीन पे आइए रॉयल्टी खत्म नहीं हुआ है पेज नंबर एटीन पे आइए एक्सप्लेनेशन वन को कट कर दीजिए यह हमने ऊपर डिस्कस कर दिया एक्सप्लेनेशन टू पे आइए एक्सप्लेनेशन वन को कट कर दीजिए सीधा एक्सप्लेनेशन टू पे आइए एक सवाल उठा रॉयल्टी इनकम मतलब किस तरह की इनकम किस चीज पे इनकम इस बात को एक्सप्लेनेशन टू में डिफाइन किया गया एक्सप्लेनेशन टू डिफाइंस रॉयल्टी एक्सप्लेनेशन टू डिफाइंस रॉयल्टी रॉयल्टी का मीनिंग क्या है ये एक्सप्लेनेशन टू बताता है फाइनेंस एक्ट 2020 ने फाइनेंस एक्ट 2020 ने इसे अमेंडमेंट किया है फाइनेंस एक्ट 2020 ने इसे अमेंड किया है फिफ्थ में जो आप रॉयल्टी रजिस्टर में लिख रहे हो वहां लिखिए रॉयल्टी इनकम अर्न फ्रॉम इंडिया Is liable to tax in India except Point Number One Point Number One if royalty is as per the agreement. Entered before nineteen seventy six and approved by government. Point number two Software Embedded in Computer. फिर लिखना रॉयल्टी इज डिफाइंड इन एक्सप्लेनेशन टू रॉयल्टी इज डिफाइंड इन एक्सप्लेनेशन टू डन मालिक इधर। नोट्स आपके पास होने जरूरी है रॉयल्टी रॉयल्टी का मीनिंग क्या होगा इस डेफिनेशन को फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी ने बदला है सर हालांकि इंटर लेवल पे इसे नहीं पूछा जाएगा पर आपको कंसेप्ट समझाने के लिए मुझे ये पढ़ाना जरूरी है फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉस रॉयल्टी मीन कंसिडरेशन वेदर लम सम

इन्वेंशन मॉडल डिजाइन सीक्रेट फॉर्मूला प्रोसेस ट्रेडमार्क और सिमिलर प्रॉपर्टी मान लीजिए कोई मॉडल है लेट्स लेट्स से, से, कोई मॉडल बनाया है एक कंपनी ने मिनी कूपर मारुति सुजुकी ने इस मॉडल को इंडिया में कॉपी करने के लिए पेटेंट पे पेटेंट लिया इनके और इस पेटेंट के तहत सिमिलर डिजाइन का एक इंडियन मॉडल बनाया इसके लिए कोई अमाउंट पे कर रहा है विल दैट बी रॉयल्टी यस दैट विल बी रॉयल्टी कोई डिजाइन कोई डिजाइन किसी प्रकार का डिजाइन कोई इन्वेंशन कोई पेटेंट कोई सीक्रेट फॉर्मूला फॉर एग्जाम्पल कोको कोला यूएसए ने इंडियन बॉटलिंग प्लांट को इंडियन जो इनके बॉटलिंग प्लांट है इन्हें यहां पे कोको कोला का फार्मूला दिया और इस फॉर्मूले के लिए एक रॉयल्टी पे की जा रही है वेदर दैट रॉयल्टी स्ट्रेक्सेबल इन देंड ऑफ कोको कोला यूएसए यस बिकॉज सीक्रेट फॉर्मूला को देके अगर कोई इनकम कमाया तो इसे रॉयल्टी माना जाएगा रॉयल्टी फॉर इंपार्टिंग एनी इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द वर्किंग ऑफ और द यूज ऑफ पेटेंट इन्वेंशन मॉडल डिजाइन सीक्रेट फॉर्मूला प्रोसेस और ट्रेडमार्क और सिमिलर प्रॉपर्टी किसी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन देना जो इन्वेंशन मॉडल या डिजाइन पे बेस्ड हो इसके लिए कोई पेमेंट किया गया ये भी क्या माना जाएगा रॉयल्टी माना जाएगा ये भी क्या माना जाएगा रॉयल्टी पेमेंट माना जाएगा रॉयल्टी फॉर यूज ऑफ एनी पेटेंट मॉडल डिजाइन सीक्रेट फॉर्मुला प्रोसेस ट्रेडमार्क ऑफ सिमिलर नेचर या कोई किसी का पेटेंट यूज करके हमने कोई चीज बनाई है तो उसे भी रॉयल्टी पेमेंट माना जाएगा इंपार्टिंग एनी इंफॉर्मेशन कंसर्निंग टेक्निकल इंडस्ट्रियल कमर्शियल और साइंटिफिक नॉलेज एक्सपीरियंस और स्किल मान लीजिए अगर कोई हमें इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन देता है छोटा सा एग्जाम्पल मान लीजिए मैं चाइना गया मेरे को कोई नया बिजनेस चालू करना था मैं चाइना गया मैंने देखा कि लेच से एक पर्टिकुलर कोई पेनड्राइव किस तरीके से बनता है मैंने चाइना के इंडस्ट्री को अप्रोच किया और मैंने उनको बोला कि प्लीज आप मुझे हेल्प कीजिए मैं इंडिया में एक प्लांट लगाना चाहता हूं उसका डिजाइन कैसा होना चाहिए लेआउट कैसा होना चाहिए कितना कैपेसिटी होना चाहिए क्या क्या डिटेल्स लगेगी इसका मुझे टेक्निकल नॉलेज चाहिए था उस फॉरेन कंपनी ने बोला हम तुम्हें टेक्निकल नॉलेज देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं इनफैक्ट हमारे इंजीनियर आकर के यहाँ पे सपोर्ट भी करेंगे बस इसके लिए हम लोग लेट से फिफ्टी थाउजेंड डॉलर लेंगे टू विच आई अग्री ये जो पचास हजार डॉलर दे रहा हूं मैं ये किस चीज के लिए है टेक्निकल नॉलेज के लिए है इंडस्ट्रियल नॉलेज के लिए है कमर्शियल नॉलेज के लिए है ये भी रॉयल्टी पेमेंट माना जाएगा और उनके हाथ में ये टैक्सेबल होगा द यूज और द राइट टू यूज एनी इंडस्ट्रियल कमर्शियल साइंटिफिक इक्विपमेंट नॉट इंक्लूडेड द अमाउंट इन फोर्टी फोर डबल बी इसके अलावा साथ साथ में वो कोई मशीन डिस्कार्ड कर रहे थे चाइना वाले मैंने बोला आप तो छोड़ रहे हो आप बड़ी कैपेसिटी कर रहे हो मेरे लिए ये काम की मशीन है आप ये मुझे दे दो और इस मशीन को मैं खरीद नहीं रहा हूं आप मुझे यूज करने दे दो मैं आपको इसका क्या पे करता हूं अमाउंट पे करता हूं यूज करने के लिए अगर आपने कोई राइट टू यूज भी किया है और उसके लिए भी कोई अमाउंट पे कर रहे हो ये भी क्या माना जाएगा रॉयल्टी टेक्निकली यू आर रेंटिंग बट ये रॉयल्टी के में क्लासिफाई होगा ट्रांसफर ऑफ ऑल और एनी राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉपी राइट लिटररी आर्टिस्टिक साइंटिफिक वर्क इंक्लूडिंग फिल्म वीडियो टेप्स फिल्म वीडियो टेप्स और यूज इन कनेक्शन विथ टेलीविजन टेप्स रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सर अगर कोई राइट्स ट्रांसफर की है छोटा सा एग्जाम्पल राइट्स ट्रांसफर की है एवेंजर्स मूवी बनी उसे इंडियन थिएटर्स में प्ले करना है देखो तुम तो बस मूवी के मजे ले लेते हो लेकिन अगली बार कोई हॉलीवुड मूवी देखने जाओ तो इस सेक्शन को याद रखना एवेंजर्स मूवी बनी बराबर है एंड गेम के आगे या एक और कोई सुपरस्टार लेकर के आ गए वो उसका राइट आपको इंडिया में चाहिए इंडिया में प्ले करने के लिए लेकिन राइट फ्री में मिलेंगे क्या नहीं इसके लिए आपको एक अमाउंट पे करनी पड़ेगी किस चीज के लिए क्योंकि आप एक कॉपीराइट लेना चाहते हो राइट लेना चाहते हो आर्टिस्टिक वर्क वीडियो टेप लेना चाहते हो टेलीविजन पे चलाना चाहते हो मान लीजिए सोनी मैक्स कहता है कि बहुत हो गया सूर्यवंशम बहुत हो गया अल्लू अर्जुन की मूवीज अब हम कोई फॉरेन मूवीज चलाएंगे अब सोनी टीवी या सोनी मैक्स क्या करेगा राइट्स खरीदेगा ये राइट्स खरीदने के लिए भी जो पेमेंट किया जा रहा है इसे रॉयल्टी पेमेंट कहा जाएगा बट अमेंडमेंट बट नॉट इंक्लूड कंसिडरेशन फॉर सेल डिस्ट्रीब्यूशन एग्जीबिशन ऑफ एनी सिनेमैटोग्राफिक फिल्म हालांकि इसमें क्या नहीं आएगा अगर किसी ने अपना मूवी ही सेल कर दिया है डिस्ट्रीब्यूशन या एग्जीबिशन सिनेमेटोग्राफिक फिल्म का वो इसके अंदर में नहीं आएगा आप राइट्स ट्रांसफर कर रहे हो इन कनेक्शन विथ टेप रेडियो नो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग वीडियो टेप चलेगा लेकिन फिल्म के राइट्स अब इसके अंदर में नहीं आएंगे जो पहले आया करते थे यह है अमेंडमेंट सो so, मान लीजिए अगर कोई एक फॉरेन का गाना है किसी लेट्स से आर्टिस्ट ने गाया है और उसे इंडियन रेडियो पे चलाना है इसके लिए कोई अमाउंट पे किया गया इट्स अ रॉयल्टी पर अब फाइनेंस एक्ट 2020 ने किसी ने मूवी बनाई और ये मूवी इंडिया में प्ले करने के लिए जो अमाउंट दिया जा रहा है ये रॉयल्टी से बाहर कर दिया गया है बट नॉट इंक्लूड कंसिडरेशन फॉर सेल डिस्ट्रीब्यूशन एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए दिया इट इज अ रॉयल्टी पेमेंट वीडियो टेप्स दिए इट इज अ रॉयल्टी पेमेंट इन कनेक्शन विद टेलीविजन वहां का को कोई वहां का कोई सीरियल्स है जो यहां चलाने हैं लेट्स ए फ्रेंड्स वो यहां पे चैनल पे चालू करते हैं और इसके लिए पेमेंट कर रहे हो इट्स अ रॉयल्टी लेकिन फॉरेन मूवीज को इंडिया में चलाने के लिए अब जो पेमेंट किया जाएगा उसे रॉयल्टी नहीं माना जाएगा 2019 तक इसे भी रॉयल्टी माना जा रहा था अब इसे रॉयल्टी नहीं माना जाएगा सर ऐसा क्यों किया इस अमेंडमेंट के पीछे का रीजन भी बताता हूं होता यह था कि हम तो इसे रॉयल्टी पेमेंट मानते थे और इस पर एक लोअर टैक्स रेट लगाते थे जब आप सीए फाइनल में जाओगे और इंटरनेशनल टैक्स पढ़ोगे तो वहां पे दिखेगा आपको रॉयल्टी के ऊपर जो टैक्स आता है ये सिर्फ टेन परसेंट होता है नॉन रेसिडेंट अगर इंडिया से रॉयल्टी कमाता है ये इनकम है ये सेक्शन नाइन कहता है लेकिन इन इनकम पे टैक्स था सिर्फ टेन परसेंट होता यह था कि इंडियन सिनेमा वाले जब बाहर जाते थे तब उन्हें ह्यूज टैक्स रेट से लगाए जाते थे लेकिन फॉरन वाले जब यहां आते थे उनको टैक्स रेट टेन ही लगता था तो फिल्म इंडस्ट्री वालों ने रिक्वेस्ट करी सरकार से कि ये गलत हो रहा है हमारे साथ हमारी फिल्म जब बाहर जाती है तो वो लोग हमें कोई टैक्स कंसेशन नहीं देते पर उनकी फिल्में जब यहां आती है और हम पेमेंट कर रहे हैं तो उन्हें टेन परसेंट का टैक्स दिया जाता है इस पे कुछ कीजिए जैसे कि अगर आप कई मूवीज देखेंगे दंगल बजरंगी भाईजान ये चाइना में भी क्या हुई है ब्रॉडकास्ट हुई है ऐसे केसेस में चाइना इन पे टैक्स रेट रेट लगाता है और वही कोई चाइनीज मूवी हिंदी में डब करके इंडिया में आती थी तो इनपे सिर्फ टेन परसेंट का टैक्स रेट लगता था होता यह था कि काउंटर बेनिफिट नहीं मिल पाता था भारत सरकार को इस बार ये पे आ गया उन्होंने कहा हमारी पिक्चर पिक्चर नहीं ये गलत है इसलिए उन्होंने कह दिया बेटा अब सिनेमेटोग्राफी फिल्म सिनेमेटोग्राफी फिल्म के ऊपर जो अमाउंट पे कर रहे हो अब हम इसे रॉयल्टी नहीं मानेंगे रॉयल्टी नहीं मानेंगे तो टेन परसेंट का टैक्स का बेनिफिट मिलेगा क्या नहीं अब उनको फोर्टी परसेंट टैक्स लग जाएगा यह क्यों किया गया काउंटर इफेक्ट हमें नहीं मिलता था इसलिए हम तो टैक्स रेट कम देते थे बट हमारी फिल्में जब वहां जाती थी टैक्स रेट यूज लगते थे तो फिल्म इंडस्ट्री को बचाने के लिए इस तरीके का अमेंडमेंट किया गया सोच रहे हो तुम इज दैट डन चलिए सर सो so, ये अमेंडमेंट आया है इस अमेंडमेंट को मेरे हिसाब से थोड़ा सा बस याद रख लेना बाकी इस डेफिनेशन को याद रखो मत रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है बस रॉयल्टी किन किन चीजों पे आती है वही बात यहां पे लिखी हुई है यस और नो एक्सप्लेनेशन थ्री For this clause, computer software means any program recorded on any disk, tape, perforated media or other information storage device and includes such program or customized electronic device. तो so, वही जो अपने ऊपर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, अगर ये कंप्यूटर के साथ आया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ आया, तो फिर इसे रॉयल्टी पेमेंट हम नहीं मानेंगे। Explanation 4 for removal of doubt. इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट द ट्रांसफर ऑफ ऑल और एनी राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी राइट प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स एंड हैवेज ऑलवेज इंक्लूड्स ट्रांसफर ऑफ ऑल एनी राइट ऑफ यूज राइट टू यूज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन रिस्पेक्टिव ऑफ द मीडियम थ्रू विच सच राइट इज ट्रांसफर्ड तो सर सॉफ्टवेयर किसी भी रूप के अंदर में मीडियम के थ्रू ट्रांसफर किया गया अगर वो हार्डवेयर के साथ है तो फिर इसके ऊपर सेपरेट रॉयल्टी नहीं माना जाएगा एक्सप्लेनेशन फोर पे यहां पे हम रुक रहे हैं एक्सप्लेनेशन फोर पे हम यहां रुक रहे हैं हमने फिफ्थ पॉइंट पे रजिस्टर में सिर्फ इतना पॉइंट लिखा है इसके अलावा ना हमें कुछ लिखने की जरूरत है ना हमें किसी चीजों पे दिमाग लगाने की जरूरत है इतना पॉइंट भी अगर आप पढ़ लोगे तो काफी होगा गेटिंग इट और नॉट चलिए यहां पे अब रेस कीजिए आपकी क्वेरीज आपको एक होमवर्क है यहां तक जितना पढ़ा है ये सारा पढ़ के आना है एक्सप्लेनेशन फोर तक जितना भी पढ़ा है ये सब कुछ पढ़ के आना है ये होमवर्क है आपका क्वेरीज पूछिए बेटा ये नोट्स को सिंपलीफाई करने की कोई जरूरत ही नहीं है ये हम पार्ट पढ़ रहे हैं ये सबसे सिम्प्लीफाइड फार्मूला है इसके ऊपर आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है तो ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा सर सीडीसी में जिस दिन अराइव हुआ उस और जिस दिन डिपार्ट हुआ वो, वो काउंट होता है यस बेटा मतलब उसे हम भारत से एक्सक्लूडेड पीरियड में काउंट करते हैं कॉस्टिंग लेक्चर फॉर सी एम ए इंटरमीडिएट प्लीज वेबसाइट पे जाकर के देखिए बेटा आप एक बार जाकर के जय एग्जाम्पल फोर को वापस देखना आदित्य मैंने आई थिंक इसके पहले भी आपको जवाब दिया बेटा फिर से एक बार जवाब दे देता हूं मार्च तक के ही एंड हो जाएगा मैं आप सभी बच्चों को बता दूं रेसिडेंशियल स्टेटस तक के ही मैं यूट्यूब के ऊपर ले रहा हूं रेसिडेंशियल स्टेटस के बाद या तो मैं इसे लाइव स्ट्रीम पे लूंगा वी स्मार्ट के चैनल पे या तो फिर मैं इसे पेन ड्राइव में अवेलेबल करवाऊंगा रेसिडेंशियल स्टेटस तक के ही हम यूट्यूब पे लाइव लेंगे एस फार एज डायरेक्ट एक्सेस कंसर्न जीएसटी आई थिंक सर का भी लाइव सेशन खत्म होने वाले हैं तो जय सर के टाइम पे शायद जीएसटी के लिए विशाल सर आ जाए सर ये बेरेक्ट और एक्सप्लेनेशन लर्न करने की जरूरत है क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिल्कुल नहीं अदरवाइज भी करने की जरूरत नहीं है इतने पॉइंट जो मैं आपको लिखा के दे रहा हूं इतने याद रख लो बस बहुत है और इसी लैंग्वेज में याद रख लो तो बहुत है सर इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा देखो नीचे आओगे ना जब तुम तो यहां से तुम्हारे सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन चालू हो रहे हैं कुछ सोल्व कुछ अनसोल्व वहां देखेंगे अभी तो हम सिर्फ कंसेप्टिव पढ़ रहे हैं क्वेश्चन सारे के सारे आपको एक साथ आ जाएंगे सर क्या आप क्वेश्चन एयर देने वाले हैं मे ट्वेंटी वन के लिए यस yes, बेटा बिल्कुल देने वाले हैं सर बुक्स जल्दी से पार्सल करवा दो बेटा आज शायद बुक्स आ गई होगी और हम लोग आज ही डिस्पैच चालू कर देंगे शायद आ गई होगी मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं बट जहां तक के है यस मैं आपको जितना लिखवा रहा हूं बस उतना याद रख लीजिए बैरैक्ट तुम वैसे भी याद नहीं रख सकते ये जो बैरैक्ट की लैंग्वेज है तुमको सच में लगता है तुम ये याद कर सकते हो आज तक मेरे को याद नहीं हुई तो तुम तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते मेहनत मत करो तुमको इतना ज्यादा बेरैक्ट पूछता भी नहीं है पढ़ो भी मत हाँ अंशिका आपने एक अच्छा सवाल पूछा आपने से अगर कोई बच्चे चाहते हैं कि रोज इसी तरीके से लाइव हम पढ़ते रहे तो हम वी स्मार्ट के लाइव स्ट्रीम के ऊपर आ सकते हैं आपने अगर एडमिशन लिया होगा मैं आपको एक्सेस दे सकता हूं आप वी स्मार्ट के लाइव स्ट्रीम के ऊपर आ सकते हैं और मेरे साथ साथ ये लाइव आप कंप्लीट कर सकते हैं बट अभी ऐसा हो रहा है बेटा कि मैं एज ऑफ नाउ सिर्फ वन एंड हाफ आवर का ही लेक्चर ले पा रहा हूं और जब मैं लाइव स्ट्रीम लूंगा तो मैं पूरे साढ़े तीन घंटे का लेक्चर लूंगा क्योंकि मुझे पेन ड्राइव वालों और गूगल ड्राइव वालों को भी ये लेक्चर प्रोवाइड करना है और मार्च तक के मुझे खत्म करना है सो so दैट मैं लाइव स्ट्रीम के ऊपर अगर आप लोग आना चाहते हैं तो मुझे बताइए कौन कौन लाइव स्ट्रीम के ऊपर आना चाहता है मैं डेफिनेटली उनको अलाउ करता हूं एच यूएफ रेसिडेंट है पर करता नॉन रेसिडेंट है आर एनओ आर एचयूएफ का स्टेटस सर आईएफओएस का लेक्चर अपलोड करोगे नहीं बेटा इसके पीछे मैंने आपको हिस्ट्री बताई है चीतन कि यूआरपीएफ यूआरपीएफ से लोग आरपीएफ में कन्वर्ट होते थे क्योंकि से जब निकालते थे, ये होता था। जब से ताकि जब फाइनल अमाउंट निकले टैक्सेबल ना हो गवर्नमेंट को पता चला और उन्होंने इसको टैक्सेबिलिटी में ला लिया मुझे बताइए लाइव स्ट्रीम में कौन आना चाहता है ही रेसिडेंशियल स्टेटस खत्म हुआ मैं नेक्स्ट टॉपिक लाइव स्ट्रीम पे लूंगा जो जो बच्चे आना चाहते हैं उनके लिए या तो स्ट्रेट अवे मैं रिकॉर्डिंग करना चालू कर दूंगा और फिर आपको ड्राइव गूगल ड्राइव पे ही मिलेगा पर मैं दोनों के आपको इफेक्ट बता देता हूं ड्राइव अगर लेते हैं तो आपको वन के व्यू मिलता है लाइव स्ट्रीम में आपको सिर्फ वन ही व्यू मिलेगा हाँ, जो लाइव स्ट्रीम पे आ रहा है वो पूरा का पूरा कोर्स ही वहीं पे करवाऊंगा मैं मतलब वो ऐसा हो जाएगा वो एज गुड एज लाइव क्लास हो जाएगा जैसा अभी चल रहा है बस स्ट्रीम बदल जाएगा हम यूट्यूब के जगह हमारे एनक्रिप्टेड स्क्रीन पे आ जाएंगे जिन जिन लोगों ने बुक कर लिया होगा पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव तो मैं उनको वहां का एक्सेस दे दूंगा वो आकर के वहां पे रेगुलरली मेरे साथ मैं जैसा पढ़ा रहा हूं वो ऐसा पढ़ना चालू हो जाएंगे आदित्य सिम्स की आप एक नवंबर 20 वाले स्टूडेंट है जो May 21 दे रहे हैं। बेटा अमेंडमेंट्स बहुत सारे हैं आपने इसके पहले अगर क्लास करी होगी और आप अभी इतना टाइम नहीं लगाना चाहते होंगे क्लास पे तो फास्ट ट्रैक ले लेना फास्ट ट्रैक मैं अनाउंस कर रहा हूं पांच से तो बस फिर आई थिंक वी हैव अराउंड ट्वेंटी पीपल जो इस पे आना चाहते हैं लाइव स्ट्रीम पे मैं आपको इसका अपडेट दे देता हूं आज मैं बस इसे चेक कर रहा हूं लाइव स्ट्रीम को मैं एक बार सेटिस्फाई हो गया तो हम लाइव स्ट्रीम के ऊपर कंटिन्यू करेंगे आफ्टर रेसिडेंशियल स्टेटस इज दैट डन मालिक एनी अदर सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरी तुम मेरे को सब्जेक्ट का क्वेरी कुछ पूछते जाओ ना यार सब्जेक्ट का क्वेरी कुछ पूछते ही नहीं हो जीवन में अनुजा ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप मेरे साथ पेन ड्राइव भी ले और लाइव स्ट्रीम पे भी, भी आए इसका अप्रूवल नहीं मिल पाएगा लाइव में बैकअप मिलेगा क्या नहीं बेटा जो लाइव स्ट्रीम पे है इसका मतलब वो एज गुड एज लाइव क्लास हो गई फिर उसका 1.5 टाइम्स व्यूज नहीं मिल पाएंगे या तो आप एग्जैक्टली exactly लाइव के मजे ले पाओगे सारा क्वेरीज ये वो सारा सेशन आप में जैसे बात कर रहे हैं वैसे हो पाएगा या तो फिर वो प्रॉपर पेन ड्राइव के जैसे वर्क करेगा दोनों एक साथ एज ऑफ नाउ पॉसिबल नहीं है या एक बार मुझे पूछने दो अगर ऐसा हो सकता है तो मैं तुम्हें उतना भी छूट दे दूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है लेट मी आस्क दिस थिंग नहीं सर आप डाउट छोड़ते ही नहीं हो ये तो अच्छी बात है चलो अच्छी बात है पर सब्जेक्ट रिलेटेड भी कुछ पूछा करो ना यार जीवन में बेटा जो सरचार्ज लगता है सुयोग जो सरचार्ज लगता है ये टैक्स पे लगता है तो टैक्स पे ही सरचार्ज निकलेगा ना इनकम पे थोड़ी निकलेगा टाइम क्या होगा क्लासेस का देख लेंगे मतलब मेरे हिसाब से तो ये दो बजे का बेस्ट टाइम है यही कंटिन्यू करेंगे ताकि आपकी नींद भी उड़ जाए और काम भी हो जाए किशन का आज मैंने कोई जवाब नहीं दिया सर बताओ सवाल क्या है किशन एक बार वापस पूछो माइंड भी कुछ रह गया होगा ऊपर अनुजा मेरी खुद की इच्छा है इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं या तो आप लाइव स्ट्रीम पे आ जाओ या तो पेनड्राइव पे जाओ बट मैं देखता हूं कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो बच्चे पेड्राइव बुक कर रहे हैं उनको लाइव स्ट्रीम में मिल जाए ऐसा हुआ तो बहुत अच्छी बात है सुयोग मैंने आपको इसका आंसर दिया आर ओ आर जनवरी ट्वेंटी वन वालो तुम्हारे लिए ऑलरेडी मैराथन रिकॉर्ड करके डाल दिया बच्चे की जान लोगे अब एग्जाम तक लाइव ले लो बेटा मेरा भी घर बार बीवी बच्चे हैं एग्जाम तक के लाइव नहीं ले सकता आपको भी पता है नवंबर ट्वेंटी वालों के लिए अपडेट एज सच कोई अपडेट नहीं है जो है एग्जिस्टिंग आप लोग को काफी है एनी अदर क्वेरी सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरी भी पूछ लो रे लव फ्रॉम चंडीगढ़ थैंक यू सो मच डन मालिक सो विल स्टॉप यर एंड कंटिन्यू टुमारो आज का आपका होमवर्क बड़ा क्लियर है यस yes, कर लेना आज किसी दूसरे टीचर का भी इनकम टैक्स देखा वहां बोर हो गया और आप बोर नहीं होने देते थैंक यू सो मच बेटा बट मेरे हिसाब से एवरी टीचर इज बेस्ट एवरीबडी इज डूइंग देयर बेस्ट वो ऐसा होता है ना सारे डॉक्टर अच्छे हैं आपको किसकी दवाई अच्छी लगती है वैसा कुछ है हाँ अंशिका वो बिल्कुल बराबर है वो इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए फास्ट ट्रैक आ रहा है मालिक कल से बेटा कौन सा ऑनलाइन वर्क वाला मैंने देखा ही नहीं है क्वेश्चन तो पूछो देन एक काम करना व्हाट्सएप कर देना अगर कोई डाउट होगा तो बाय बोलो बच्चों।